युग की तैयारी है। युग बीते आजाद हुए हम, फिर भी मन से गुलाम थे। देश की मर्यादा को भुलाकर दबे हुए गुमनाम थे। वीर शहीदों के बलिदान को विस्मित कर अंजाम थे। वीर शहीदों के बलिदान को विस्मृत कर अंजाम थे। आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारे है। स्वाभिमान जगा भारत का, नव युग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा। संकल्प सबको हृदय से लेना है कि अब हमको शून्य तकनीकी से बनी एक भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। हमारा वस्त्र, हमारा शैम्पू, साबुन, क्रीम पाउडर, जूते, चप्पल से लेकर के आटा, नमक तक, कोई भी विदेशी कंपनी का उत्पाद जो शून्य तकनीकी से कम बना है, यहाँ से शुरू करें अपना संकल्प। तो आज ये सबका संकल्प, आपके साथ साथ करोड़ों देशभक्त भारतीयों का संकल्प। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है। सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, ओ भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। नवयुग की तैयारी है। बोलिए भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत। स्वाभिमान का यह दो तरफा हमें अभियान चलाना है। एक तरफ अंग्रेजों की द्वारा बनाई हुई गलत नीतियों का, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का हमें अंत करना है। अंग्रेजों के जाने बाद जिन काले अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की उन गुलामी की व्यवस्थाओं को, उन काले कानूनों को लागू कर रखा है, उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को लागू करके देश का और ज्यादा गरीब, दरिद्र और देश को दयनीय बना दिया है। पूरे विश्व में जो भारत कभी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होता था, उस भारत का आज जो विश्व में स्थान है, वो बहुत सम्मानजनक नहीं रह गया है। एक वक्त वो था जब हम पूरी दुनिया का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते थे, नेतृत्व करते थे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, या चिकित्सा व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था की बात हो, या अर्थव्यवस्था की बात, कृषि व्यवस्था से लेकर के दुनिया के तमाम लोग सब विषयों हमसे, हमारे पूर्वजों से मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। आज भारत की हालत संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। माने एक तरफ वह भारत का स्वर्णिम युग, जहां भारत दुनिया का नंबर वन देश था, विश्व के हम प्रथम देश थे, विश्व के हम सर्वोच्च देश थे, विश्व के हम महाशक्ति थे, हम विश्व गुरु थे, विश्व वंद्य थे, हमारा इतना वैभव था, इतना ऊंचा चरित्र था, हर
विषय में हम दुनिया के सिरमौर थे। आज जिन गलत नीतियों के कारण से देश की दुर्दशा हुई है, उन गलत नीतियों का अंत करना है। और जिस भ्रष्टाचार ने पूरे देश को खोखला कर दिया है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। यह कितनी हैरत की बात है कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के लूट लिए कुछ बेईमान लोगों ने और लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करा दिए और पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। अब 2010 में हमें पूरी तैयारी करनी है और 2011 में पूरे देश को बताएंगे कि किस तरह से बेईमानों ने देश को लूटा है और वो 100 लाख करोड़ रुपए जो लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करा रखा उसको वापस देश में लाएंगे। ये 100 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। 100 लाख करोड़ रुपए तो अपने ही देश के बेईमान लोगों ने लूटा और विदेशी बैंकों में जमा करा दिया। 100 लाख करोड़ रुपए करीब विदेशी कंपनियों से लुटवाया। आज भी जो सरकार के अधिकृत आंकड़े हैं, जो ऑफिशियल डेटा है सरकार के, वो ये कहते हैं कि 2,32,000 करोड़ रुपए का शून्य तकनीकी का सामान बेच करके विदेशी कंपनियां अपने देश से हर वर्ष अभी भी लूट रही है। अपने देश के लोगों को इस बात के लिए भी जगाना है, एक व्रत लीजिए, एक संकल्प कीजिए कि मुझे प्रथम दृष्टया शून्य तकनीकी से बनी, जीरो टेक्नोलॉजी से बनी कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग करना ही नहीं है और तकनीकी भी अपने देश की विकसित करनी है। और अपने देश की वस्तु यदि मुझे कम तकनीकी वाली भी मिलेंगी तो भी मुझे अपने देश का धन बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि देश का धन यदि बाहर जाता है तो देश कमजोर पड़ता है। जो भ्रष्टाचार करके बाहर ले जाते हो या व्यापार करके बाहर ले जाते हो, जो भ्रष्टाचार करके देश का धन बाहर ले जा रहे हो उस पर तो अंकुश हम लगाएंगे ही, लेकिन अपने आप भी हम देश का धन नहीं लुटाएंगे। जाने अनजाने हमसे एक भूल हो जाती कि हम विदेशी कंपनियों का सामान यदि खरीदते हैं तो उससे देश का धन बाहर जाता है और जब देश का धन बाहर जाता है तो देश कमजोर पड़ता है। हमें देश को कमजोर नहीं पड़ने देना किसी भी कीमत पर, हमें देश को ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो स्वदेशी को आज ही से अपने जीवन में अपनाना है कि कुछ भी हो जाए मुझे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग अपने तन में वतन में नहीं करना है। यह संकल्प। एक तरफ मैंने कहा जो 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट करके कुछ बेईमान लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा करा रखा उस पैसे को वापस लाना है। 16 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों के माध्यम से लुटवाया है, इसके ऊपर भी हमें एक गंभीर योजना पर काम करना होगा। और ये जो विदेशी कंपनियों ने जो लूट करके लेके गए हैं, शायद उसको लाना तो वापस ना संभव हो, लेकिन कम से कम इनकी जो यहां पर परिसंपत्तियां बनाई हैं, इन्होंने जो वैल्यू क्रिएट की है, इसके ऊपर तो हम जरूर रोक लगाएंगे। ये जो आपको जीवन दर्शन पुस्तक दी जाती है, इसमें जिन विदेशी कंपनियों का नाम है, इन एक एक कंपनियों की यहां पर आप वेल्थ देखेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर है, चाहे वो कॉलगेट पामोलिव है, चाहे और एमवे है, या और तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इस देश का लाखों करोड़ रुपए लूटा है, सबकी सूची दी हुई है। ये सारे भारत के लुटेरे हैं। अंग्रेज तो लुटेरे थे ही थे, उन्होंने तो 350 से 400 लाख करोड़ रुपए देश का लूटा ही लूटा है। अपने ही देश के कुछ लुटेरे आज भी वतन को लूट रहे हैं, जो इस वतन की मिट्टी में ही पैदा हुए। ऐसे उन गद्दारों को भी ठिकाने लगाना है और इस देश को लूटने से हमको बचाना। अभी भी करीब 20 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष सरकार की योजनाएं बनती हैं, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए में मुश्किल से शायद 2 लाख करोड़ रुपए भारत के विकास के लिए खर्च होता होगा। कम से कम 18 लाख करोड़ रुपए तो अभी भी बेईमान हर वर्ष लूट रहे हैं। इसलिए एक एक दिन आज भी वतन को नोच नोच के खा रहे हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। एक तरफ मेरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग बेबस, 84 करोड़ के करीब लोग जो है रोज 20 रुपए पर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर। कितनी गरीबी, कितनी दरिद्रता, कितनी अशिक्षा, कितना अभाव, कितनी लाचारी। और दूसरी तरफ सारी संपत्ति, सारा वैभव कुछ बेईमान लोग हर दिन आज भी लूट रहे। इस लूट को रोकना है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती। आप सोचिए कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप उसके लिए। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, और ये बेईमान 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे लूट लेते हैं।
हर वर्ष 18 लाख करोड़ रुपए करीब अभी भी लूट रहे हैं, और बाकी जो देश की लोहे की खदानें, कोयले की खदानें, हीरे की खदानें, वहां जो लूट होती है, जो कोड़ियों के भाव देश को बेचा जा रहा है, सारा देश चारों तरफ से भ्रष्टाचार तो रग रग में व्याप्त हो गया है। अब इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से हमको रोकना है, ये हमारे सामने बड़ा प्रश्न है, और इसको रोकेंगे हम। भ्रष्टाचार को भी रोकेंगे, भ्रष्ट व्यवस्थाओं को भी बदलेंगे। हमारी गलत कृषि नीति के कारण से करीब 5 लाख करोड़ रुपए के जहरीले रसायन हमारे खेतों में डाले जाते हैं, और वो विषैला भोजन खा खा करके हम बीमार हो जाते हैं, और करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा चिकित्सा में बीमारियों को ठीक करने के नाम पर खर्च हो जाता है, करीब 12 लाख करोड़ रुपए। कितनी बर्बादी देश की हर वर्ष, उसका हर दिन के हिसाब से निकाले तो हर दिन 1000 करोड़ रुपए देश के बर्बाद होते हैं। 2,32,000 करोड़ रुपए तो विदेशी कंपनियां अधिकृत रूप से लूट करके ले जाते, दो नंबरी में लूट होती वो अलग। 7 लाख करोड़ रुपए के करीब विदेशी मुल्कों से हमको सामान आयात करने पड़ते हैं, हम अपने देश को अभी तक भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। निर्यात हमारा न के बराबर, और आयात कर करके देश को हम दरिद्र बना रहे, कंगाल बना रहे। ये भी हमको बेबसी मिटानी। आज एक तरफ हमको, चाहे वो गलत शिक्षा नीति है, गलत चिकित्सा व्यवस्था है, गलत अर्थव्यवस्था, इसका भी अंत करना है, और इसी के कारण से चारों तरफ देश में जो ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हुआ उस दिन इस देश की बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा और ये नक्सलवाद की आग, ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कितना दुख होता है हमको कहते हुए कि आज लगभग 600 जिलों में से हमारे 250 से 300 जिले आतंक, नक्सलवाद, माओवाद इसकी आग में झुलस रहे। 300 जिले, रेड कॉरिडोर बना हुआ है पूरा का पूरा, उधर चाइना से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के और पूरा पूर्वांचल, असम और इधर कुछ हिस्सा बिहार का, और फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरा आंध्र प्रदेश से होता हुआ और कर्नाटक से होता हुआ महाराष्ट्र से टच कर जाता है। किसी देश के 600 में से 300 जिले, लगभग आधे जिले नक्सलवाद की आग में जल रहे हों, वो कैसा, कैसी शासन व्यवस्था, कैसे हमारा ये लोकतंत्र, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि पक्षपातपूर्ण वितरण है हमारे देश के अंदर। जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, उनकी आजीविका का कोई प्रबंध नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, ये हिंसा को जन्म देती है। जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस दिन देश का एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा और हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। हर आदमी शकुन से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, चैन से जीना चाहता है। नक्सलवाद, जनसंख्या, बेहताशा बढ़ रही है, अशिक्षा और गरीबी, ये दोनों जनसंख्या को जन्म देती हैं। यह बातें की जाती हैं कि फला जाति के लोग, फला मजहब के लोग जनसंख्या को बहुत बढ़ा रहे हैं। आप ईमानदारी से अध्ययन करके देखिए, यह हमारी सामाजिक समस्या है, यह हमारी भ्रष्टाचार से पैदा हुई समस्या है, यह असमान वितरण की समस्या है, यहां लोगों को उनका हक न मिलने के कारण से यह समस्या पैदा हुई है। जिस भी समाज के, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी प्रांत के लोग हों, जो लोग गरीब होते हैं, आप ईमानदारी से अध्ययन कर लीजिए इस बात का, बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के भारत के दूसरे कुछ गरीब एरियों को ले लीजिए, जहां गरीबी है और जहां अशिक्षा है, वहीं ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब के हो। जिस दिन लोग साधन संपन्न हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन देश के अंदर जनसंख्या की समस्या नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या, संसाधन कम हो रहे हैं, संपत्ति कम हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कारण क्या? हमारे पास में जितनी व्यवस्थाएं वो कम पड़ गई है, और उसका भी मैंने कहा कारण, हमने खुद ऐसा मुल्क बनाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देश जब आजाद हुआ उस समय से लेकर के अभी तक अधिकांश नेताओं की राय कि जितने देश के लोग अनपढ़ रहेंगे, जितने देश के लोग गरीब रहेंगे, जितने देश के लोग अशिक्षित रहेंगे, उतने ही दिन तक इन पर हम राज करते रहेंगे। ये कितना भद्दा मजाक है लोकतंत्र के नाम पर कि देश के लोगों को अनपढ़ रखा जाए। इसीलिए तो आजादी के 63 वर्ष बाद भी 50% लोग अनपढ़ है,
100 करोड़ के करीब लोग दरिद्रता भूख अभाव में जी रहे हैं। जब देश की दशा देखते हैं तो रोना आता है कि रात को भूखे सोने के लिए विवश हैं लोग, निरक्षर हैं लोग, गंदगी में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, कितनी ज्यादा दुर्दशा होगी, अन्याय में जी रहे, शोषण हो रहा है उनका। तो आखिर क्या ऐसे मुल्क चलते रहने देना चाहिए? अपने आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भारत सौंप करके जा रहे हैं? अब तो कुछ करना होगा, अब इन गलत व्यवस्थाओं का अंत करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का अंत करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार कोई अब बाहर के मुल्क के लोग नहीं कर रहे, अपने ही वतन के कुछ देशद्रोही, कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोग कर रहे हैं। और उसमें केवल एक तरह के लोग सम्मिलित नहीं है। माना कि किसी भी देश के अंदर भ्रष्टाचार पैदा होता है, किसी भी देश के अंदर अन्याय होता है, शोषण होता है, गरीबी भूख अभाव होता है, अपराधियों को दंड नहीं मिलता है, देश की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, सिस्टम फेलियर हो जाता है, इसका मुख्य दायित्व सरकारों का है। सरकारों में जो बैठे लोग हैं उनके ऊपर तो ये सीधी जिम्मेदारी आती ही आती है, फिर जो सिस्टम में लोग जो सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। और अब ये जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली है कि हम पर यदि भ्रष्ट और बेईमान लोग शासन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत अपमान की बात है। अब हम पर शासन वही करेगा जिसका चित्र राम जैसा होगा, कृष्ण जैसा होगा, ऐसा व्यक्ति हम पर शासन करेगा। यह देश के लोगों के भीतर विश्वास जगाना है, ये संकल्प जगाना है। मैंने कहा एक तरफ हमें देश को लूटने से बचाना है, दूसरी देश की गरीबी भूखा भाव अशिक्षा को मिटाना, ये मिटाएंगे हम। भ्रष्टाचार खत्म होते ये कम तो होगा ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करके कुछ चंद लोगों ने इसका सारा धन जमा करा रखा है। इसके बहुत से उपाय हो सकते हैं कि जरूरत होने पर उसका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, कितना ही अच्छा हो। हमारे सारे सांसद स्वेच्छा से इस बात को कहें कि हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। हमने यदि कहीं भ्रष्टाचार किया है तो हमसे पूछा जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है, हम कुछ नहीं पूछेंगे। और तो एक तरफा नेताओं को बैठा दिया जाए, स्विस बैंक वाले डिटेल दें या ना दें, नार्को टेस्ट होने पर ये सारी डिटेल बता देंगे। और बताने में दिक्कत क्या है और नार्को टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है? तुम यदि बेईमान हो तो विरोध करोगे इस बात का कि हमारा नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, सारी पोल खुल जाएगी, और जो ईमानदार है उनको आगे से पहल करनी चाहिए कि आओ मेरा नार्को टेस्ट करो, मैं तैयार हूं। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले मेरा नार्को टेस्ट करो कि भाई हमने 1 रुपए बाहर नहीं जमा करा रखा, हमने 1 रुपए की संपत्ति नहीं खरीद रखी, हम घोषणा करते हैं ना, तो मैं इस बात की पहल करता हूं। हम तो एक साधु हैं, हमारा तो राजनीति से कोई संबंध ना था ना है ना रहेगा, पहले हमारा नार्को टेस्ट करने के लिए हम अनुमति देते हैं और उसके बाद में इन बेईमान नेताओं को अनुमति देनी चाहिए। नहीं देते इसका मतलब ये बेईमान है, चोर है, लुटेरे, डकैत है, इन्होंने भारत को लूटा है। तो हम इस बात को पूरे देश के सामने रखेंगे कि हम अपना नार्को टेस्ट करने की स्वीकृति देते हैं स्वेच्छा से, और इन नेताओं को भी राष्ट्रहित में अपने नार्को टेस्ट करने के लिए स्वीकृति देनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी एक साथ क्यों ना हो जाए पूरे देश के सामने। तो एक दिन में इलाज हो जाएगा। और ये अब ये करें या ना करें, लेकिन इनके नार्को टेस्ट फिर हम जरूर करवाएंगे। बोले बाबा आप कैसे करवा दोगे? अभी थोड़ी सी तैयारी करो, यही तो काम करना है। एक तरफ ने भ्रष्ट व्यवस्थाओं का अंत करना है, वहीं दूसरी तरफ देश में जो बीमारियों के नाम पर लूट हो रही है, उपचार के नाम पर लूट हो रही है, व्यसनों के नाम पर लूट हो रही है, इलाज के नाम पर लूट, कितना चारों ओर शराब की नदियां बह रही हैं, सिगरेट, तंबाकू, मौत का व्यापार हो रहा है। हमें देश के नागरिकों के अंदर ऐसा ऊंचा चरित्र पैदा कर देना है कि शराब की दुकानें चाहे ये सजा के रखें लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति इनको ना मिले, ऐसा देश बनाना है। ये काम आपको करना है। इलाज के नाम पर लूट, व्यसनों के नाम पर मौत का खुला व्यापार, 5 लाख से ज्यादा लोगों की तमाकू खाकर के हर वर्ष मौत हो रही है, क्या ये अपराध नहीं है? बहुत बड़ा अपराध है। शराब पीकर के कितने घर, कितनी जिंदगियां उजड़ रही हैं, तंबाकू खाकर के कितने घर उजड़ रहे हैं, कितनी जिंदगियां उजड़ रही हैं, और कितने पैसा बर्बाद हो रहा है देश का। आडंबर में
कम से कम हर वर्ष हजारों लोग होते होंगे जो 1-2 करोड़ से लेकर के 10-20-50 करोड़ रुपए तक शादियों में खर्च कर देते होंगे। एक रात में 5 करोड़ 50 करोड़ खर्च कर दिए। मैं तो आग्रह करूंगा जितने भी ये धनपति, भारत के ये धन कुबेर जो अपने खजाने लुटा रहे हैं शादियों में अपनी शान और शौकत के लिए, अभी शादियों में दिखावा बंद होना चाहिए। हम भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, आओ अब शादियों के नाम पर ये पैसे की बर्बादी मत करो। तुम्हारे पास पैसा है, 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाइए, गरीबों के लिए विद्यालय बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। बच्चों की शादी के उपलक्ष्य में ये एक हॉस्पिटल बना दीजिए, आपको आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। अरे वो जिस रात को तुमने आसमान में ये जो पटाखे छुड़ाए हैं, ये धुआं उड़ाया है, ये तो एक दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये तो तुम्हारी शानो शौकत कौन याद करेगा, सब भूल जाते हैं एक दिन के बाद। कुछ अच्छा करो, आडंबर से मैं जो देश का धन बर्बाद हो रहा है उसको भी रोकना है। अंधविश्वासों में देश का धन बर्बाद हो रहा है। एक भाई ने मुझसे जब ये कहा कि 40-50 हजार करोड़ रुपए लोग शनि केतु राहु आदि ग्रहों के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, कितनी लूट होती है देश में, हमें सामाजिक कुरीतियों से भी देश को मुक्त करना है। आज भी बाल विवाह जैसी प्रथा जीवित है हमारे देश में, बाल विवाह से लेकर के बाल मजदूरी। दहेज कितना बड़ा कलंक है हमारे माथे के ऊपर। एक बाप अपनी बेटी को 20-25 साल तक पढ़ा लिखा करके, संस्कार देकर के, शिक्षा देकर के तैयार करता है और पराए हाथों में सौंप देता है। हर एक बेटी दे रहा है बाप, आपको इससे और ज्यादा क्या चाहिए। जो बाप अपनी बेटी दे रहा है उससे धन मांगना, यह सबसे बड़ा पाप है। किस बात का तुम धन मांगते हो? अरे बेटी वाला पैसा मांगे कि मैंने बेटी को तैयार करने में 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किए, वो बात, वो पैसा मांगे तो वो न्याय की दृष्टि से वो ठीक है, लेकिन बेटे वाला, एक तरफ बेटी लेकर के आ रहे हो और दूसरी तरफ उसे पैसा किस मुंह से मांगते हो? शर्म नहीं आती दहेज मांगते समय? दूसरे की बेटी लेकर के आ रहे हो और उससे पैसे किस मुंह से मांग रहे हो? ये तो बहुत अपमान और शर्म की बात है। मैं तो सोचता हूं कि कोई भी इज्जतदार व्यक्ति को कभी भी दहेज तो कम से कम नहीं मांगना चाहिए। या बोलियां लगती हैं लड़कों की, दहेज का ही परिणाम है फिर भ्रूण हत्या। जितने भी लोग दहेज मांग रहे हैं उसी के कारण से 1 करोड़ बेटियों का गर्भ में कत्ल होता है हर वर्ष। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे भी देश को मुक्त कराना, देश में बलि प्रथा भगवान के नाम पर कौन खराबा। आज भी सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग मिल जाते हैं। एक तरफ 18वीं शताब्दी का वो भारत जहां पर पूरे देश में एक भिखारी नहीं था, आज कैसा हो गया मेरा भारत। अब इस भारत का उत्थान करना है, अपने देश में अपनी भाषा का सम्मान नहीं, अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं, अपने संस्कारों का सम्मान नहीं, भाषा के स्तर पर भी हमको एक आंदोलन पूरे देश में चलाना होगा। जिस दिन भारतीय भाषाओं में भारत के लोगों को शिक्षा दी जाएगी, राष्ट्रभाषा में, हमारी मातृभाषा में, अपने संस्कृत भाषा में, उस दिन एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बन पाएगा, वो भी एक IAS IPS ऑफिसर बन पाएगा, वो भी न्यायालयों में बैठ करके देश के लोगों को न्याय दे पाएगा। जब गरीब का बेटा न्यायाधीश बनेगा, जब गरीब का बेटा IAS IPS ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा, उस दिन ये विषमता की खाइयां सारी खत्म हो जाएंगी और पूरे देश को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाषा के स्तर पर भी आंदोलन की बहुत बड़ी जरूरत है। जिन अंग्रेजों ने 300-400 लाख करोड़ रुपए हमारे लूटे, जिन अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिवीरों को फांसी पर लटकाया, तड़फा तड़फा करके मारा, कुचला, उनको तबाह किया,
जिनको हम अपना राष्ट्रीय जीवन का आदर्श मानते हैं, जिनको हम क्रांतिवीर कहते हैं, जिनको हम शहीद कहते हैं, इन शहीदों का हत्यारा कौन है? अंग्रेज। जिन अंग्रेजों ने 7,25,850 हमारे क्रांतिवीरों को बेरहमी बेदर्दी से कत्ल किया, उन अंग्रेजों की भाषा बोलते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब अंग्रेजी में भाषण देते हैं भारत में, उनका पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए। वो देश की संसद का अपमान कर रहे हैं, वो देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। हमारे वतन में क्या हमारी भाषा बोली नहीं जानी चाहिए? देश में, पूरे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा, अपने प्रांत में अपनी प्रांतीय भाषाओं का। और यदि हम संस्कृति के आधार पर, पूर्वजों के आधार पर बात करें, तो संस्कृत भाषा का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी, प्रांतीय भाषा अपनी मातृभाषाएं, चाहे वो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और संस्कृत भाषा, इन दोनों भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। विदेशी भाषाओं के हम विरोधी नहीं है, लेकिन सब काम अंग्रेजी में। जिन अंग्रेजों ने बेदर्दी बेरहमी से भारत को लूटा, हमारे क्रांतिवीरों को कत्ल किया, हमारी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने सदियों तक हमको गुलाम बनाया, उन अंग्रेजों की भाषा बोलने में हमको गर्व की अनुभूति होती है। गए अंग्रेज, लेकिन भारत को भारत नहीं छोड़ा, भारत को इंडिया करके चले गए। और पढ़े लिखे इडियट लोग जो अपने आप को इंडियंस कहने में गर्व करते हैं, भारतीय कहने में उनको शर्म आती है। कोई दुनिया का मुल्क मैंने नहीं देखा जिसके दो नाम हो। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बेईमान, कुछ मानसिक रूप से दिवालियापन जिनकी जिंदगी में था, ऐसे लोगों ने इंडिया वर्सेस भारत, अब पूरी दुनिया में भारत कहीं नहीं बोला जाता, इंडिया इंडिया है। अरे कितना सुंदर नाम था हमारा आर्यावर्त, कितना सुंदर नाम था हमारा भारतवर्ष, बाद में हिंदुस्तान नाम। अरे अब तो कम से कम गुलामी के नाम इस इंडिया से मुक्ति पाओ, कितना अच्छा हो कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में भारत को भारत ही कहा जाना चाहिए, हमको इंडियन कहने में गर्व नहीं शर्म आनी चाहिए। ये गुलामी को कब तक ढोते रहोगे? सबसे बड़ी गुलामी। अब इस देश को बचाने के लिए कुछ लोगों को तो जिंदगी लगानी पड़ेगी। मैंने प्रथम संकल्प लिया कि मेरा जीवन, जो मेरा सामर्थ्य, मैंने इस काम के लिए लगाया है, और इन भारत की भ्रष्ट व्यवस्थाओं का अंत करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और भारत की भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, यदि मुझे अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत भी देनी पड़ती है, अपना आत्म बलिदान भी देना पड़ता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो जो मैं कर रहा हूं आप उससे भी प्यार कीजिए। यदि आप मानते हैं कि मेरा जीवन कीमती है, तो यदि आप मेरे जीवन को कीमती समझते हैं, तो अपना भी जीवन इस काम के लिए दीजिए। मुझसे प्यार करने वाले लाखों करोड़ों लोग हर दिन कहते हैं, बाबा हम आपको खोना नहीं चाहते। बहुत वर्षों के बाद हमें किसी संत का नेतृत्व सानिध्य मिला है, बाबा आपको हम खोना नहीं चाहते। यदि मुझे नहीं खोना चाहते, तो मैं चाहता हूं लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मिशन में मेरे साथ खड़े हों, तब मैं सोचूंगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और वह आपका खड़ा होना एक दो पलों के लिए नहीं, भीड़ तो बहुत है इस देश में और वो हमारे साथ साथ चलेगी, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए और मजबूत लोग चाहिए। हजारों लाखों भाई बहन आ चुके हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस मिशन में अर्पित कर दिया है, लेकिन इतने से मुझे अभी संतोष नहीं है। मैं आपसे एक आह्वान करता हूं, एक जिले में मुझे 100 पूर्णकालिक योग शिक्षक चाहिए, एक जिले में 100। अभी 500 1,000 तो तैयार हो चुके हैं ना, और हम कार्यकर्ता सदस्य और विशिष्ट सदस्य और बना देंगे, क्योंकि हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और तीन ही काम करेंगे। घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, योग के लख जगाना है, गोहत्या बंद कराना है, भ्रूण हत्या भी बंद कराना है, स्वदेशी को अपनाना है, युवा शक्ति को भी अपने साथ में खड़ा करना है, सब कुछ करेंगे। तीन काम हम करेंगे, घर घर गांव गांव जाकर के सदस्य बनाएंगे, शिक्षक बनाएंगे, नियमित योग की कक्षाएं चलाएंगे, ये भी करना है। लेकिन इस सब के लिए नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व के लिए एक जिले में मुझे 100 पूर्णकालिक कार्यकर्ता,
जो कितना 6 से 8 घंटे का समय इस काम के लिए दे, सुबह 2 घंटे की क्लास योग की कक्षा और उसके बाद 4-5 घंटा और वो वक्त दे दे, बस काम हो जाएगा। मैं तो आपको घर में रह करके ही सेवा दे रहा हूं, मैंने तो पूरे देश को अपना घर माना है, पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, आपको घर में रह के सेवा देनी है। और एक जिले में मुझे मात्र 100 लोगों की जरूरत है, बस वो नेतृत्व करने वाले होंगे, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो चुका है। अब तो बस युग संधि का काल आ चुका है, महाप्रलय का काल आ चुका है, अब तो यह आंदोलन जब आंधी के रूप में आगे बढ़ेगा दावानल बन करके, तब सारे के सारे ये असुर, ये भस्मासुर, ये सारे के सारे राक्षस, इनका अंत अपने आप ही हो जाएगा। बस एक जिले में 100 पूर्णकालिक योग साधक और यहां मुख्यालय में मेरी तरह से जीने वाले, सोचने वाले और अपना सर्वस्व वतन के लिए कुर्बान करने वाले, यहां मुझे 600 भाई बहनों की जरूरत है। देश भर में एक जिले में 100 तो कितने हो गए, एक जिले में 100 तो 600 जिलों में 60,000, बस है ना, 60,000 लोग वो तो तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब बस पूरी तरह से सामने आ जाइए, एक जिले में 100 ये तो मिल जाएंगे, मुझे मिल चुके हैं, कई थोड़ी बहुत कसर है तो और पूरी हो जाएगी। वो युवक और वो युवतियां जो अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी इस काम के लिए देना चाहते हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, आओ इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का अंत करने के लिए, भ्रष्टाचार करके जो देश का 16 करोड़ रुपए से ज्यादा धन लूट लिया उस धन को वापस लाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व की महाशक्ति सुपर पावर बनाने के लिए आपकी मुझे जरूरत है। मुझे बस मात्र 600 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं, 600 एक जिले से एक युवक या एक युवती, और मैं भरोसा रखता हूं, मैंने पहले अपना जीवन दांव पर लगाया है, अपनी जवानी लगाई है, जो मुझे भगवान ने दिया, जो मुझे देश ने दिया, मैंने सर्वस्व इस काम में लगाया है। जब मैंने अपना सर्वस्व लगाया है तो मैं पूरा भरोसा रखता हूं, 600 क्या, मुझे 6 लाख लोगों की भी जरूरत पड़ेगी तो देश के लोग खड़े होंगे मेरे साथ। 20 से 40 वर्ष के वो युवक और युवतियां जिनकी कोई दुनियावी तमन्ना नहीं है, जिनके दिलों में बस एक ही अरमान है, अब यह जीवन देश के लिए, वतन के लिए, उनको हम पहले अपनी तरह से पढ़ाएंगे, जैसे मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, लेकिन उतना ना पढ़ पाए तो थोड़ा पढ़ाएंगे, व्याकरण शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, इनको पढ़ाएंगे। और पूरे देश को हमको ये समझाना है कि संस्कृत हमारे पूर्वजों की व्यवहार की भाषा थी, वेदोपनिषद हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, योग हमारे पूर्वजों की जीवन शैली है, और ये भारत भूमि ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है, फिर यहां कैसा भ्रम, कैसा मतभेद। बस 4 बातें देश के लोगों को समझ में आ गई कि ये वतन हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि, ये हमारी मातृभूमि, संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा, योग हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, वेदोपनिषद हमारे पूर्वजों का ज्ञान। संस्कृत भाषा कितनी वैज्ञानिक और कितनी महान है इसके बारे में भी हम आपको बताएं, कितना उन्नत बौद्धिक स्तर था हमारे ऋषि मुनियों का, कितनी उन्नत भाषा है संस्कृत, लेकिन उसका तिरस्कार, अपमान, सब कुछ जो हमने देखा है। बस अब तो एक ही दिल में तमन्ना है कि अब ये सब कुछ बदलना चाहिए। जो संकल्प की अग्नि मेरे हृदय में प्रज्वलित हुई है, मैं चाहता हूं कि वो संकल्प की अग्नि देश के करोड़ों लोगों में अब जलनी चाहिए और वो ज्वाला बन करके निकलनी चाहिए, जिससे कि देश का सारा अंधेरा मिट जाए और इस भारत का भाग्योदय हो जाए। अब तो असुरत्व तो पराजित होना चाहिए, देवत्व विजयी होना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा मुख्यालय में मुझे 600 भाई बहनों की जरूरत है, 20 से 40 वर्ष वाले, बाकी अपने गृह जिलों में सेवाएं दे, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, पूर्णकालिक योग शिक्षक के रूप में उनसे सेवाएं लेंगे। बस इतने लोग मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं,
बाकी तो योग शिक्षक हैं हमारे, कार्यकर्ता हैं हमारे, और बन जाएंगे, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता बनेंगे। पूरा देश खड़ा है, बस बाट जो रहा है, कोई आए तो सही, कोई दिखाई तो दे विकल्प। यहां तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अब इस अंधेरे में हम प्रकाश के पुंज बनकर के आगे बढ़ेंगे और ये काम होगा। अरे जिंदगी न जाने कैसे छोटे छोटे कामों में लग जाती, अब एक बड़े काम के लिए अपनी जिंदगी को लगाइए। आपके पास जीवन है, मैं इसको बड़े काम में लगाना चाहता हूं। आपके पास समय है, शक्ति है, धन है, मैं उसको एक बड़े काम में लगाना चाहता हूं। आओ साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े। और ये शरीर जिस मातृभूमि से मिला है, पहला अधिकार इस शरीर के ऊपर देश का है। ये तन इस वतन से मिला है। इस जीवन के ऊपर पहला अधिकार बोलो किसका है? मातृभूमि का। शरीर के ऊपर, तन के ऊपर पहला अधिकार वतन का। तो इस जीवन के ऊपर पहला अधिकार किसका है? मातृभूमि का। पहला अधिकार इस तन के ऊपर वतन का, मातृभूमि का। दूसरा अधिकार माता पिता का, गुरुजनों का। तीसरा अधिकार मेरा अपना है। यह जज्बा हमारे दिलों में हर वक्त प्रज्वलित रहे। हम जब कोई देश के लिए अपनी शहादत देता है तो उसको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन अब हम शहीदों की शहादत को तो वंदन करेंगे ही करेंगे, और हमने अपने फर्ज को निभाया है, और यह हमारा कर्तव्य, यह हमारा धर्म है। विज्ञापन के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं, उसको अपना धर्म मान करके हम शहीदों पर गर्व भी करते हैं। और यदि अपनी शहादत हमको देनी पड़े, अपनी कुर्बानी, अपना आत्म बलिदान देना पड़े, तो उससे भी हम पीछे नहीं हटते हैं। यह भाव अब जन जन में पैदा होना चाहिए। मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं आज भारत स्वाभिमान का एक और खास मुद्दा। हर वर्ष करोड़ों करोड़ों निर्दोष मूक प्राणियों का कत्ल होता है। एक दिन में जो मांसाहारी हैं 100 करोड़ जीवों को बेरहमी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए। कितनी बर्बरता है, कितनी क्रूरता है। कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरता कि 100 करोड़ जीवों का हर दिन कत्ल होता है केवल कुछ मांसाहारियों का पेट भरने के लिए। और उससे समाज में जो हाहाकार मचता है, समाज में जो चारों ओर विघटन होता है, वो बात भयावह है। वैज्ञानिक प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है कि शाकाहार ही मनुष्य का भोजन है। क्यों खाते हम जीवों को? जब हम किसी जीव को पैदा कर नहीं सकते तो हमें उसका को मारने का हक किसने दिया? क्या आप एक गाय पैदा कर सकते हो? क्या आप एक बकरा पैदा कर सकते हो? अरे देखो जरा उन मूक प्राणियों को। आप कभी किसी कुत्ते के पास में बैठना जरा, कितना प्यार करता है वो कुत्ता आपसे, कितना प्यार करती हैं बिल्लियां, कितना प्यार करते हैं गाय भैंस आपसे, कितना प्यार करते हैं ये पंछी आपसे। सब पंछियों को खा जाते हैं, गाय भैंसों को खा जाते हैं, सब जीवों को मार मार के खा जाते। क्यों? कोई तर्क नहीं है आपके पास इस बात के लिए कि क्यों खा रहे हैं आप। यदि गलत फहमी से खा रहे थे तो आज से छोड़ दीजिए, अपने पेट को कब्रिस्तान और शमशान मत बनाइए। अरे ये देह देवालय शिवालय भगवान का मंदिर है। और आप जरा सोचिए जिन जीवों को काटा जाता है कितने तरफते होंगे वो जीव, कितने बिलखते होंगे जीव, कितने चित्कार करते होंगे, लेकिन उनको मानवीय भाषा नहीं आती। काश गाय को, भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को, मुर्गों को मनुष्य की भाषा आती होती तो हम उनकी करुण चित्कारों को, चीखों को, पुकारों को सुन पाते और हम कभी उनका कत्ल नहीं करते। लेकिन वो हमारी बोली नहीं जानते इसलिए हम उनको कत्ल कर देते हैं। देखने में हम जैसे शक्ल के नहीं लगते इसलिए उनका कत्ल कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और इसलिए हम उनका कत्ल कर दें कि वो हमको वोट नहीं करते हैं। और उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई कानून हमने नहीं बनाए। जिन जीवों के लिए बना रखे हैं, हमने माना कि सब जीवों को जीने का अधिकार है। शेर भी जीना चाहिए यहां पर, हिरण भी जीवित रहना चाहिए। कुछ जीव को तो हमने मार के खा गए, हाँ वो जीव ही खत्म कर दिए। मॉरिशस का जो राष्ट्रीय पंछी है डोडो, मार मार के खा गए। ढच लोग आए, डोडो को खा गए, खत्म कर दिया, जीव एक भी जीव नहीं बचा। और वो बड़ा बड़ा जीव डायनासोर मार मार के खा गए, कत्ल।
अब कानून बनाया कि शेर को मत मार के खाओ, शेर को मार के खाओगे तो तुम मार दिए जाओगे। काश जैसे शेर की सुरक्षा के लिए हमने कानून बनाया। वो तो एक हिंसक जीव है, वो दूध नहीं देता है, उसका गोबर काम नहीं आता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शेर को मार के खा जाओ, उसको भी जीने का अधिकार है। जैसे शेर को इस दुनिया में जीने का अधिकार है और वो एक हिंसक जीव है, अरे गाय तो पूरी दुनिया का कल्याण करने वाली है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दूध पिलाने वाली है, उसका कत्ल क्यों करते हो? जब इस देश में शेर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हिरण की सुरक्षा के लिए कानून बन सकते हैं, तो गाय की सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं? हत्या निषेध का कानून बनवाएंगे इस देश में, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, दायित्व है, वो धर्म है, कर्तव्य है हमारा। केवल गाय का ही क्यों? बाकी जीवों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? भैंस को क्यों मार के खाएं? बकरे को क्यों मार के खाएं? आज इसी विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए कि मांसाहार करना अमानवीयता है, वह अधर्म है, वह पाप है, वह बहुत क्रूरता बर्बरता है। मांसाहार करना यह अनैतिकता है, मांसाहार करना दूसरे जीवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमें कोई अधिकार नहीं किसी जीव को मारने का, लेकिन इससे आगे और बहुत बड़ी बात, इस पूरी दुनिया को हम एक आग की ओर लेकर के जा रहे हैं, जहां मौसम बदल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी, वैश्विक प्रदूषण मांसाहार से किस तरह से बढ़ रहा है। इस विषय पर विस्तार से उद्बोधन देने के लिए और देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को सचेत और सजग करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजीव जी को। परम पूजनीय स्वामी जी, सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत स्वाभिमान के अभियान में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को हम उठा रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी, सारी दुनिया में बढ़ने वाली गर्मी। आप आजकल अगर समाचार पत्र पढ़ते हों, टेलीविज़न पे खबरें देखते हों, तो अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा कि सारी दुनिया में अभी गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे दुनिया और ज़्यादा गर्म हो रही है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले दुनिया का जो औसतन तापमान होता था उसमें लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है। हमारे भारत के और दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी रफ्तार से दुनिया चलती रही तो अगले 20 से 25 वर्षों में और अधिक से अधिक सन 2050 तक आते आते सारी दुनिया की गर्मी और ज़्यादा लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगी। और अगर ये गर्मी बढ़ गई सारी दुनिया में, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमा है वो बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। हमारे भारत देश में जो हिमालय में ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलती है और हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं, तो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा आएगा, और नदियों में पानी का अगर सतह बढ़ती है, तल बढ़ता है, तो ये बढ़ा हुआ नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में मिलेगा, तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि समुद्र के पानी में थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर हो गई, मामूली सी बढ़ोतरी अगर हो गई, समुद्र के पानी में आप कल्पना करिए लगभग 6-7 इंच की वृद्धि अगर हो जाए, वैज्ञानिक तो अनुमान कर रहे हैं कि 12-14 इंच की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर 6-7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में वृद्धि हो गई, तो आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे। और दुनिया के देश जो डूबेंगे उनमें भारत का भी बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र में डूब सकता है। हमारे भारत में आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे लगभग 2 लाख गांव हैं संपूर्ण भारत देश में। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र के किनारे है,
आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है समुद्र के किनारे है, केरल का बहुत बड़ा क्षेत्र है समुद्र के किनारे है, बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है समुद्र के किनारे है, उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र है समुद्र के किनारे है। भारत में ऐसे लगभग 12 राज्य हैं जिनका कोई ना कोई इलाका समुद्र से लगता है, और अगर समुद्र के तल में 5-6 इंच से लेकर 12 से 14 इंच की वृद्धि हो गई तो भारत के लाखों लाखों गांव का अस्तित्व खत्म हो सकता है। हमारे देश का जो गोवा है, जो सबसे खूबसूरत राज्यों में गिनती किया जाता है, ये गोवा पूरा समुद्र में डूब सकता है। मुंबई का इलाका पूरा समुद्र में डूब सकता है। केरल का आधे से ज्यादा इलाका समुद्र में डूब सकता है। आंध्र प्रदेश का इलाका समुद्र में डूब सकता है आधे से ज्यादा। उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, कई राज्यों का काफी इलाका समुद्र में डूब सकता है। अगर संख्या में गिनती करें तो भारत के 2 लाख गांव के लिए खतरे की घंटी है, भारत के 2 लाख गांव के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जो पहले से ही समुद्र के सतह से नीचे बसे हुए हैं और वहां तो ये खतरा सबसे ज्यादा है। एक छोटा सा देश है यूरोप में, उसका नाम है नीदरलैंड, हॉलैंड। ये देश तो समुद्र के नीचे बसा हुआ देश है। ज्यादातर स्थानों पर आप जब जाते हैं ना तो वहां लिखा रहता है कि ये समुद्र के तल से इतना फीट ऊपर है, ये समुद्र के तल से इतना मीटर ऊपर है। हॉलैंड में जब जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि ये समुद्र के तल से इतना फीट नीचे है या समुद्र के तल से इतना मीटर नीचे है। तो हॉलैंड जैसे देश जो पहले से ही समुद्र तल के नीचे हैं, उनके अस्तित्व को तो और भी बड़ा खतरा है अगर ये दुनिया में गर्मी बढ़ती जाए और इस बढ़ती हुई गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, उत्तरी ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए, भारत के हिमालय क्षेत्र की बर्फ पिघल जाए, तो लाखों गांव के लिए, हजारों शहरों के लिए खतरा है। और ये गांव और शहरों के लिए खतरा है, उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए खतरा है। आप बोलेंगे वो कैसे, जब गर्मी बढ़ती है तो पूरे वातावरण का जो मौसम का चक्र है ना वो बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि मौसम के चक्र में जितनी गर्मी होनी चाहिए उसी के अनुसार बारिश होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उसी के अनुसार सर्दी होती है, और जितनी सर्दी होनी चाहिए उसके अनुसार फिर गर्मी होती है, और फिर जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार बारिश होती है। माने गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। थोड़ी गर्मी बढ़े तो बारिश कम ज्यादा होती है, थोड़ी गर्मी बढ़े तो सर्दी भी कम ज्यादा होती है। अब बारिश कम ज्यादा हो जाए तो हमारे देश के कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसी तरह से सर्दी कम ज्यादा हो जाए तो कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको यह समझाता हूं। सर्दियों का सत्र शुरू हो गया है, ये सर्दियों का सत्र थोड़े दिन चलेगा, लगभग 3 से 4 महीने। अगर इसमें सर्दी आधा डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हो जाए, जितनी जरूरत है अगर उतनी सर्दी ना हो, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि गेहूं की फसल नहीं आएगी। गेहूं जो पकता है हमारे देश में दाने के रूप में, वो पकेगा नहीं, फसल पूरी नहीं आएगी, गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के सत्र में आने वाली फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो गर्मी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, सर्दी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। जो प्रकृति ने तय किया है हजारों साल की व्यवस्था में, लाखों साल की व्यवस्था में, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जैसा प्रकृति ने तय किया है वैसे ही रहना चाहिए, तब तो सारी दुनिया अच्छे से चलती है। लेकिन इसमें कम ज्यादा थोड़ा भी हो जाए तो सारी दुनिया तहस नहस हो सकती है। लाखों लाखों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो जाए, लाखों लाखों एकड़ बाजरे की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ मक्की की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ धान की फसल खराब हो जाए, ये पूरी संभावना है अगर मौसम का चक्र थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए या थोड़ा भी मौसम के चक्र में परिवर्तन हो जाए।
इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इस बात पर चिंतित हैं कि पिछले 100 वर्षों में वातावरण में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी तो हो चुकी है और अगले 50 वर्ष तक माने 2050 तक आते आते और 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए ऐसी संभावना दिख रही है, तो सारी दुनिया ऊपर से नीचे तहस नहस हो जाएगी और दुनिया में भयंकर आफत और प्रलय आ जाएगी। इसलिए सारे दुनिया के देश मिलकर आजकल एक वार्ता कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं और उस वार्ता और संवाद का मुख्य विषय है कि सारी दुनिया की गर्मी को कैसे कम किया जाए और इस गर्मी को कैसे रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक छोटा सा शहर है जापान नाम के देश में, वहां पर लगभग 4 वर्ष पहले दुनिया के 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब लोग इकट्ठे हुए। भारत के भी प्रधानमंत्री गए, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां आए, चीन के राष्ट्रपति वहां आए और दुनिया के सभी 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां एकत्रित हुए। सबने मिलकर आपस में एक फैसला किया और फैसला ये किया है कि सारी दुनिया में जितनी गर्मी बढ़ रही है उसके कारणों का पता लगाया जाए, जो जो कारण से गर्मी बढ़ रही है उन कारणों को ठीक करने के लिए सारे देश मिलकर प्रयास करें। तो लगभग 4-5 वर्षों से पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के छोटे बड़े दल बने हैं और वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसके सबसे बड़े कारणों में से मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो अभ्यास किया, अब तक जो अध्ययन किया है, उसके लिए जो सबसे बड़ा दल बना भारत के वैज्ञानिकों का और दुनिया के वैज्ञानिकों का, उसके अध्यक्ष एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, उनका नाम है डॉक्टर आर के पचौरी। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल बना, उस दल ने लगभग 4 वर्षों से थोड़े ज्यादा समय अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने जो सारी दुनिया को बताया कि गर्मी बढ़ रही है उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का जीवन शैली, और लोगों का जीवन शैली में सबसे मुख्य कारण है लोगों के द्वारा मांसाहारी भोजन का उपयोग और उपभोग। हम जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं इस समय। एक तो ऐसे लोग हैं जो जीवन में बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक शाकाहारी हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक मांसाहारी हैं। तो भारत के और दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया तो पाया कि जो लोगों की जीवन शैली में मांस खाना बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा मांस का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा मांस का उपभोग करते हैं, उनके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। अगर उस गर्मी के बढ़ने को कोई अंक से निरूपित किया जाए, और मैं आपको समझाने के लिए एक सरल अंक का उपयोग करूं, तो ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में 20 कारण हो सकते हैं, 50 कारण हो सकते हैं गर्मी बढ़ने के, उनमें सबसे बड़ा कारण है मांस का उत्पादन और उसका उपभोग। तो मांस का उत्पादन करने वाले जो देश और मांस का उपभोग करने वाले जो देश हैं वो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं। अब इस गर्मी बढ़ाने को प्रतिशत में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए 100% कुल अंक होते हैं, तो इसमें 25% गर्मी बढ़ रही है वो मांसाहारी लोगों के जीवन शैली के कारण बढ़ रही है। 18% जो गर्मी बढ़ रही है वो दुनिया में फालतू गाड़ियां चलाने से और बिना जरूरी यात्राएं करने से बढ़ रही है। 25% गर्मी बढ़ रही है मांसाहारी भोजन से, 18% गर्मी बढ़ रही है फालतू के यातायात से, और बची हुई जो गर्मी बढ़ रही है वो बची हुई गर्मी बढ़ रही है प्रदूषण से और औद्योगिक उत्पादन के द्वारा और सेवाओं के द्वारा, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें खेती और जानवरों के द्वारा। तो कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने के इतने सारे कारण हैं। औद्योगिक कारणों में लगभग 18-20 कारण हैं, उनके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय चला जाएगा। तो औद्योगिक उत्पादन को सारी दुनिया में कहा गया कि एक उत्पादन ऐसा जो बहुत जरूरी है लोगों के जीवन को चलाने के लिए, जो आवश्यक उत्पादन है, और एक उत्पादन ऐसा जो बिल्कुल जरूरी नहीं है
लोगों के जीवन को बिना उस उत्पादन के भी चलाया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए चावल का उत्पादन करना पड़ता है, गेहूं का उत्पादन करना पड़ता है, चने दाल सब्जियों का उत्पादन करना पड़ता है, फलों का उत्पादन करना पड़ता है, हमें सूखे मेवों का उत्पादन करना पड़ता है, तो इस उत्पादन को माना जाता है ये जरूरी उत्पादन है। इसी तरीके से आपको स्नान करना है तो आपको साबुन चाहिए, कपड़े धोने हैं तो आपको वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, आपको अपने जीवन में दैनिक कामों को पूर्ति करने के लिए जो काम में आने वाली चीजों का उत्पादन है वो भी जरूरी माना जाता है। तो दुनिया में दो तरह का उत्पादन है, एक जरूरी, गैर जरूरी उत्पादन क्या माना जाता है दुनिया में, उदाहरण के लिए आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर का सारी दुनिया में उत्पादन गैर जरूरी माना जाता है, माने अगर रेफ्रिजरेटर ना भी बने तो भी हमारा जीवन चलाया जा सकता है। इसी तरह से एयर कंडीशनर में हम रहते हैं तो एयर कंडीशनर का उत्पादन गैर जरूरी माना जाता है। तो गैर जरूरी उत्पादन में मैंने दो उदाहरण दिए, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, और जरूरी उत्पादन में मैंने कहा चना चावल दाल मटर आदि आदि चीजें हैं। तो जो जरूरी उत्पादन है हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए, उसके द्वारा जो गर्मी बढ़ रही है वो मात्र 18% है, और जो गैर जरूरी उत्पादन के द्वारा दुनिया में गर्मी बढ़ रही है वो लगभग 32% है। तो 32% गर्मी बढ़ रही है दुनिया में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से जो हमारे और दुनिया के ज्यादा काम की नहीं है, विलासिता की वस्तुएं जिनको हम कह सकते हैं, तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करके 32% गर्मी बढ़ रही है, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करके 18% गर्मी बढ़ रही है, 25% अकेली गर्मी बढ़ रही है मांस का उत्पादन करके, और बची हुई जो गर्मी का हिस्सा है वो हमारे फुटकर क्रियाकलापों से बढ़ती रहती है, जिसमें मैंने एक क्रियाकलाप बताया था ट्रांसपोर्टेशन यातायात, उसमें से एक यातायात जो बहुत जरूरी है और एक यातायात जो बिल्कुल काम का नहीं है जो गैर जरूरी है। तो ऐसे करके दुनिया में सारा बंटवारा हुआ है। सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सबसे ज्यादा अगर गर्मी कम हम कर सकते हैं तो एक ही क्षेत्र में इस समय कम कर सकते हैं, और वो क्षेत्र है मांस के उत्पादन में कमी लाकर और मांस के उपभोग को कम करके सारी दुनिया में गर्मी को कम किया जा सकता है। अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए, सारी दुनिया निरामिष हो जाए, सारे दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर दें, सारे दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें, तो सबसे तेजी से गर्मी कम हो सकती है, और वो कुल गर्मी का लगभग 25% है। और फिर आश्चर्य की बात आपको और बताऊं कि अगर मांस उत्पादन खत्म हो जाए सारी दुनिया में और मांस का उपभोग खत्म हो जाए तो गैर जरूरी जो यातायात की गर्मी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो जरूरी यातायात के लिए डीजल पेट्रोल खर्च होता है उससे 2.5 गुना ज्यादा गैर जरूरी यातायात के लिए डीजल और पेट्रोल का खर्चा होता है पूरी दुनिया में। आप कोई काम से बहुत जरूरत से अपनी गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, उसमें अगर 1 लीटर डीजल खर्च हो रहा है तो बेकार के फालतू के लिए आप जो जा रहे हैं कहीं या किसी चीज को ला रहे हैं उसमें 2.5 लीटर खर्च होता है। तो ये मांस का जो उत्पादन होता है दुनिया में वो कुछ कुछ देशों में होता है और सारी दुनिया में ये मांस बिक्री के लिए भेजा जाता है। तो मांस का उत्पादन करने के लिए पहले जानवरों को ट्रक में भर भर के किसी मांस के उत्पादन केंद्र तक लाया जाता है, और जानवरों को भर भर के ट्रक में जो लाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है। फिर उन जानवरों को काट देने के बाद उनका मांस निकाला जाता है, फिर उस मांस को डब्बों में भर भर के दुनिया भर के देशों में बेचने के लिए भेजा जाता है, फिर उसमें फालतू डीजल पेट्रोल का खर्च होता है। एक तो जो यात्रा हो रही है जानवरों का मांस भर के ले जाया जा रहा है, दूसरा उस मांस को कम तापमान पर रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी खराब ना होने पाए, क्योंकि एक देश में मांस का उत्पादन हो रहा है और दूसरे देश में बिक्री के लिए वो जा रहा है। कल्पना करिए कि कनाडा में मांस का उत्पादन हो रहा है और वो भारत में बिक्री के लिए आ रहा है, तो कनाडा से 20,000 मील की दूरी तय करके वो भारत में आएगा, या अमेरिका में मांस उत्पादन हुआ और भारत में आ रहा है, या भारत में मांस उत्पादन हुआ और अमेरिका जा रहा है, तो ये हजारों मील की जो दूरी मांस के लिए तय की जाती है, मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, इसमें मांस
का लाना ले जाना तो एक बात है, लेकिन मांस को कम तापमान पे रखने के लिए उसको हर समय एयर कंडीशनड स्थिति में रखना पड़ता है, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वो आने जाने से भी कई गुना ज्यादा होती है। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है, सारी दुनिया में, भारत के ही वैज्ञानिक नहीं, सारे दुनिया के वैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग अपनी जीवन शैली को बदल दें, मांस खाना बंद कर दें, मांस का उपभोग बंद कर दें, तो सारी दुनिया की गर्मी 25% कम हो जाएगी और फालतू जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है और उसके कारण जो 32% गर्मी फालतू में बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी। तो 25% एक और 32% एक, दोनों को मिला दो तो लगभग आप कल्पना करो 60% गर्मी तो सीधे कम होती है अगर सारी दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर दें और मांसाहारी भोजन का उपभोग करना बंद कर दें। फिर आपके मन में एक तर्क आएगा और सारी दुनिया के मांस खाने वाले ये तर्क देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, भारत स्वाभिमान की बात हमने मान ली, परम पूजनीय स्वामी जी हर समय कहते हैं मांस मत खाओ, उनकी बात हमने मान ली, और सारी दुनिया ने थोड़ी देर के लिए कल्पना करो ये बात मान ली कि मांस नहीं खाएंगे, तो क्या सबके लिए गेहूं है खाने को, क्या सबके लिए चावल है खाने को, क्या इतना कृषि उत्पादन है जो सबका पेट भर सकता है, गेहूं चावल चना दाल मटर सब्जियां और फल इतने पैदा होते हैं क्या, दूध इतना पैदा होता है क्या दुनिया में जो सबका पेट भर सकता है। इस विषय को जानने और समझने के लिए मैंने थोड़ा अध्ययन और अभ्यास किया, उसमें से जो आंकड़े निकले हैं और जो जानकारियां निकली हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगर सारी दुनिया मांस खाना बंद कर दे तो इस दुनिया में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि वो सारी दुनिया के एक एक व्यक्ति का तो पेट भर ही देगा, इसके बराबर की दूसरी दुनिया और पैदा हो जाए तो भी सबका पेट भर देगा। मैं आपको ये आंकड़े से बताने की कोशिश करता हूं। इस समय पूरी दुनिया में 650 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में 115 करोड़ लोग हैं, चीन में 140 करोड़ लोग हैं, ये दो देश दुनिया में हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, इसके अलावा तीसरा बड़ा देश है अमेरिका जहां पर लगभग 27 करोड़ हैं, फिर यूरोप के 15 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये 15 देश मिलाकर इनकी संख्या 30 करोड़ है, फिर अफ्रीका है, फिर लैटिन अमेरिका, सारी दुनिया में लगभग 650 करोड़ लोग हैं। अभी जितना भोजन माने गेहूं चावल चना दाल मटर सब्जियां फल आदि पूरी दुनिया में जो पैदा होता है 650 करोड़ लोगों के लिए तो पर्याप्त है ही, अगर मांस खाना दुनिया में बंद हो जाए और मांस उद्योग पर ताला लग जाए तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है ये 1300 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता, अभी तो 650 करोड़ लोग हैं और 650 करोड़ लोग दुनिया में पैदा हो जाएं, एक तरफ आप मान लीजिए कि सारे दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, 1300 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हो जाएं, और दूसरी तरफ मांस उद्योग पर ताला लगा दिया जाए, तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है, जितना अनाज आज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, वो 1300 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। आप बोलेंगे वो कैसे, ये बात समझ में नहीं आई, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं ऐसे कि दुनिया में जो मांस का उत्पादन होता है ना उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमें जान लें। दुनिया में मांस उत्पादन होता है जानवरों का कत्ल करके, और जानवरों में सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जो प्राणी है उसका नाम है गाय, और गाय के वंश का बैल, और गाय के वंश के बछड़े और बछड़ी, सबसे ज्यादा ये कत्ल होते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है सुअर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है भैंस, और चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है वो है बकरी और बकरे और भेड़, और पांचवें नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जानवर है वो है मुर्गे और मुर्गियां, और उसके बाद छोटे पक्षी, उनकी तो संख्या और उनकी कोई गिनती नहीं है। इन जानवरों को कत्ल करने से पहले इनके शरीर में मांस ज्यादा हो तो कत्ल करने वाले उद्योगों को फायदा ज्यादा होता है। तो जानवरों के शरीर में मांस बढ़ाने के लिए वो जानवरों को अनाज खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं,
गेहूं के अलावा चावल और चना आदि खिलाते हैं और मकई खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं, तो इन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है। ये जानवर सभी प्रकृति से जो है ना घास खाने वाले हैं। गाय घास खाने वाली है, भैंस घास खाने वाली है, इसी तरह से सुअर जो है ना मनुष्य का मल और दूसरी चीजें खाने वाला है, इसी तरह से बकरी और बकरे पूरी तरह से शाकाहारी जीव है, और ये मुर्गा मुर्गी भी ज्यादातर ऐसी चीजें ही खाते हैं। तो ये जो जानवर हैं ये तो घास खाने वाले और चारा चरने वाले जीव हैं, लेकिन मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां इनको जबरदस्ती गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर और बाजरी और मक्की ऐसी चीजें खिलाते हैं। इनको खिलाने से क्या फायदा होता है? ये अगर गेहूं खिलाया जाए जानवरों को, सोयाबीन खिलाया जाए जानवरों को और बाजरी मक्की आदि खिलाई जाए जानवरों को, तो वो बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, बहुत जल्दी उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी उनका शरीर भारी होने लगता है। और जानवरों को काटकर बेचने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि जो जानवर जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उसमें मांस उतना ज्यादा ही निकलेगा, बिक्री होगी तो उसमें मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। तो मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां जानवरों को वो भोजन कराती हैं जो भोजन मनुष्य के लिए है। अब वो मनुष्य का भोजन जब जानवरों को करा दिया जाता है तो मनुष्य के हिस्से में भोजन कम पड़ना शुरू हो जाता है और वही भोजन की कमी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को भूख से मार देती है। अब मैं थोड़े आंकड़ों की बात करता हूं। सारी दुनिया के जानवरों को गेहूं है, गेहूं से बनने वाली चीजें हैं, मक्की है, मक्की से बनने वाली चीजें हैं, बाजरी और बाजरी से बनने वाली चीजें हैं, सोयाबीन और सोयाबीन से बनने वाली चीजें हैं। तो जानवरों को कृषि उत्पन्न जो अनाज खिलाया जाता है वो कुल अनाज का लगभग 40% है भारत जैसे देशों में और 70% है अमेरिका जैसे देशों में। ये भारत और अमेरिका की दो अलग अलग श्रेणियां मैंने बनाई हैं। भारत का मतलब है दुनिया के गरीब देश, जैसे भारत एक देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भारत जैसे दुनिया में 186 देश हैं जिनको गरीब देश कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी भाषा में एक शब्द विकसित हुआ है इन देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश या विकसनशील देश। तो भारत और भारत जैसे गरीब देश है, आप समझ लीजिए विकासशील देश। तो 186 देश हैं भारत जैसे, इन सभी देशों में मांस उत्पादन के लिए कुल कृषि उत्पन्न का 40% जानवरों को खिलाया जाता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है और यूरोप के कई सारे देश हैं। इन देशों में कुल कृषि उत्पादन का लगभग 70% जानवरों को खिला दिया जाता है। आप सोचिए, अमेरिका में कुल जितना गेहूं पैदा होता है उस पैदा हुए गेहूं का 70% जानवरों को खिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं? अमेरिका के जानवर गेहूं खाकर, अमेरिका के जानवर सोयाबीन खाकर या कृषि उत्पन्न खाकर जल्दी से मोटे हो जाएं, जल्दी से उनके शरीर में मांस बढ़ जाए, ज्यादा मांस हो जाए, ज्यादा मोटे हो जाएं और उनको फिर काटकर उनका मांस दुनिया में बेचकर अमेरिका की मांस बेचने वाली कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो आप सोचिए, जो अमीर देश हैं उनके कृषि उत्पादन का 70% जानवर खा जाते हैं, जो गरीब देश हैं वहां मांस उत्पादन के लिए कुल उत्पादन का 40% खिला दिया जाता है जानवरों को। अगर औसत निकाला जाए, 70 और 40 को जोड़ दिया जाए 110 और इसका औसत निकाला जाए तो 55, माने दुनिया में औसतन आधा अनाज जानवरों को खिलाकर उनको मोटा बनाकर फिर उनका मांस कुछ लोग खाते हैं। अगर इस तर्क को सीधा सा समझने की कोशिश करें कि आधे से ज्यादा अनाज पहले हम जानवरों को खिलाएं, उनको मोटा बनाएं, फिर उनका मांस हम खाएं, इससे अच्छा सीधा सीधा ये है कि वो आधा अनाज सीधे ही हम खा जाएं, तो जितनी जनसंख्या की आज पूर्ति हो रही है उससे दोगुनी जनसंख्या की पूर्ति ऐसे ही हो जाए।
तो आप बोलेंगे जी जानवर के लिए कहां से आएगा। प्रकृति ने, भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि जहां से आपके लिए भोजन आता है वहीं जानवरों के लिए भी पैदा हो जाता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर आप खेती करते हैं, किसान है, तो आपको मालूम है हम गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा तो हमारे काम आ जाता है खाने के लिए और नीचे का पूरा हिस्सा किसी गाय बैल भैंस के काम आ जाता है खाने के लिए। तो अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं करना पड़ता जानवर के लिए, माने मनुष्य के लिए जो कुछ पैदा हो रहा है उसी से जानवर की पूर्ति होती है। हम मक्की का उत्पादन करते हैं, हम बाजरी का उत्पादन करते हैं, तो मक्की और बाजरी के ऊपर का जो हिस्सा है बाल वाला जो लगभग 1 फीट का होता है वो तो हमारे काम आ जाएगा और बचा हुआ नीचे का 6-7 फीट का जो हिस्सा है वो तो किसी जानवर के ही काम आने वाला है। तो प्रकृति और परमात्मा ने तो व्यवस्था ऐसी की है कि मनुष्य के लिए कुल उत्पादन जितना चाहिए उससे 6-7 गुना ज्यादा उत्पादन चारे और घास का जानवरों के लिए हो ही जाता है, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए जानवरों की हमें यह चिंता छोड़ देनी पड़ेगी कि अगर हम उनको अनाज नहीं खिलाएंगे तो उनका पेट कहां से भरेगा। उनका पेट भरने के लिए तो प्रकृति और परमात्मा ने व्यवस्था की हुई है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप तो सिर्फ इतनी चिंता करिए कि अपने पेट में ये जानवरों को काट काट कर डालना बंद कर दीजिए, इनका मांस खाना बंद कर दीजिए। सारी दुनिया की व्यवस्था तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से है। मैं थोड़ी सी और बात समझाने के लिए कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। सारी दुनिया में इस समय मांस का जो कुल उत्पादन होता है पूरी दुनिया में, 200 देश हैं कुल मिलाकर, भारत सहित, अमेरिका सहित, कनाडा, जर्मनी जैसे, तो पूरी दुनिया के 200 देशों में कुल मांस का एक साल में उत्पादन होता है 28,50,00,000 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में लगभग 1,000 किलोग्राम होते हैं, तो 28,50,00,000 मीट्रिक टन मांस का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है। इस पूरे के पूरे मांस के उत्पादन को मांस पैदा करने वाली कंपनियां बोल रही हैं कि 2050 तक हम इसको 46,50,00,000 मीट्रिक टन कर देंगे उस उत्पादन को। मतलब जो उत्पादन आज हो रहा है उसका लगभग दोगुना वो कर देंगे 2050 तक। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां पूरी दुनिया में ताकत से लगी हुई हैं कि मांस का उत्पादन बढ़े। और ये मांस का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब मांस का उपभोग बढ़े, मांस का उपयोग बढ़े, मांस का ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें। तो मांस पैदा करने वाली कंपनियां पूरी दुनिया को मांसाहारी बनाने के काम में लग गई हैं और उसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क और कुतर्क विकसित कर लिए हैं और रात दिन वो प्रचार कर रही हैं, उनके विज्ञापन रोज टीवी पर आ रहे हैं। भारत में भी आपने देखा है ना, ये मांस उत्पादन करने वाली कंपनियों का ही विज्ञापन है, संडे हो या मंडे कभी भी खाओ अंडे, आपने देखा होगा। और हमारे देश में मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस जो निजी जिंदगी में शाकाहारी हैं वो पैसे के लालच में अंडों का विज्ञापन करते हैं। और हमारे देश के कुछ खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अन्य खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और हमारे देश के और भी कई ऐसे अच्छे लोग जिनको माना जाता है मीडिया में वो भी लग गए हैं। तो पूरी दुनिया में मांस का उपभोग बढ़े और मांस का उपयोग बढ़े इसके लिए कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रही हैं। तो अभी 28,50,00,000 टन मांस उत्पादन होता है, 2050 तक उम्मीद है कि ये 46 करोड़ टन होगा अगर वो सफल हो गए तो। और दूसरी तरफ यह भी संभावना है कि अगर हम सफल हो गए, भारत स्वाभिमान अभियान सफल हो गया और सारी दुनिया में हमारे जैसे विचार के लोग सफल हो गए, तो आने वाले सन 2050 में पूरी दुनिया में मांस का उपभोग 0% होगा। माने ये जो 28,50,00,000 टन आज हो रहा है ये 2050 तक आते आते खत्म ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा, अगर हमारे जैसे लोग सफल हो गए और अपनी विचारधारा के लोग सारी दुनिया में बढ़ गए। तो ये लड़ाई अब देवासुर संग्राम की लड़ाई है। एक तरफ असुर लोग हैं जो मांस पैदा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं और मांस खिला रहे हैं, और एक तरफ आपके जैसे देव लोग हैं, देवता लोग हैं जो मांसाहारी जीवन शैली के खिलाफ सारी दुनिया को शाकाहारी बना रहे हैं और इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से
और कोई कोई दूसरे लोग मेडिटेशन के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से ये काम चल रहा है। युद्ध सारी दुनिया में इस समय शुरू हो चुका है। ये मांस पैदा करने वाले जो सारी दुनिया में लोग हैं, जितना मांस ये पैदा करते हैं, इन मांस के पैदा होने के जो उपभोग के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक तरफ दुनिया में भारत जैसे 186 गरीब देश हैं और एक तरफ अमेरिका जैसे दुनिया में 16 अमीर देश हैं, तो 16 अमीर देशों में कुल मांस उत्पादन का 60% खपत होता है और 186 देशों में कुल मांस उत्पादन का मात्र 40% खपत होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज्यादा नैतिक हैं, गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा सात्विक हैं और गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा पवित्र हैं। अमीर देश जिनकी संख्या मात्र 16 है, वहां 60% मांस का उपभोग होता है। माने 28 करोड़ 50 लाख टन के आंकड़े को आप निकालेंगे तो लगभग 18-19 करोड़ टन मांस का उपभोग और उत्पादन तो अमीर देशों में ही है, गरीब देशों में तो काफी कम है। इसका मतलब गरीब देशों में अभी भी शाकाहारी लोग ज्यादा हैं, सामिश लोग अमीर देशों में ज्यादा हैं। मैं इसको थोड़ा और आगे बात करूं, ये अमीर देशों में और सारी दुनिया में जो मांस का उपभोग और उत्पादन है, इसमें मुर्गे मुर्गियों का जो उत्पादन है, मुर्गे मुर्गियों के मांस का वो करीब 9 करोड़ टन है, सुअर के मांस का उत्पादन करीब 10 करोड़ टन है, गाय के मांस का उत्पादन 6 करोड़ 70 लाख टन है। अब इतना मांस जो पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन, इस मांस के उत्पादन के लिए हर साल पूरी दुनिया में 56 अरब जानवरों का कत्ल होता है। 56 अरब जानवरों का माने 5,600 करोड़ जानवरों का कत्ल होता है और ये बड़े जानवर हैं। बड़े जानवर का माने गाय है, बैल है, भैंस है, ये बड़े जानवर हैं, बकरे हैं, बकरियां हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, वहां तक तो गिनती होती है, सुअर भी इसमें है। उसके नीचे जो छोटे पक्षियों की गिनती है वो अंदाजा लगाया जाता है, उनको गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 5,600 करोड़ निर्दोष जानवरों को, मूक जानवरों को, जिन्होंने दुनिया में कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, ऐसे जानवरों को काट दिया जाता है 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा करने के लिए। इस मांस के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। भारत में हर साल मात्र 58 लाख मीट्रिक टन मांस का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन है मांस का, भारत में मात्र 58 लाख मीट्रिक टन मांस का उत्पादन है। माने पूरी दुनिया के अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो पूरी दुनिया के मांस के उत्पादन का 10% निकलेगा तो करीब 2 करोड़ 80 लाख निकलेगा, 5% निकलेगा तो करीब 1 करोड़ 40 लाख निकलेगा, 2.5% के आसपास भारत में मांस का उत्पादन है। पूरी दुनिया के कुल मांस के उत्पादन में भारत की स्थिति 2.5% उत्पादन की ही है। माने अगर दुनिया के हिसाब से आंकड़ों में बात की जाए तो भारत में मांस का उत्पादन अभी काफी कम है, माने भारत में मांस खाने वाले लोग काफी कम है, माने भारत में सबसे ज्यादा संभावना है सभी लोगों के जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाने की। भारत में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार मैं बात करूं तो भारत में अगर मान ले 115 करोड़ नागरिक रहते हैं तो आंकड़ों के अनुसार इनमें लगभग 70% नागरिक हैं जो शाकाहारी हैं, जो पूरी तरह से शाकाहार पर जीवन जीते हैं अपना, और 30% भारतवासी हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस खा के अपना जीवन बिताते हैं। भारत में मांस के उत्पादन में गाय का मांस 14 लाख टन पैदा होता है, भैंस का मांस करीब 14 लाख टन पैदा होता है, मटन करीब 2.5 लाख टन पैदा होता है, बकरे बकरी का मांस करीब 4.5 लाख टन है, सुअर का मांस 6,30,000 टन है, मुर्गे मुर्गी का मांस 16 लाख टन है। और इस पूरे मांस को पैदा करने के लिए भारत सरकार के पिछले साल के आंकड़े हैं 2008 के, कि ये भारत में 58 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा करने के लिए 10 करोड़ 50 लाख जानवरों का पिछले साल कत्ल किया गया। और ये 10 करोड़ 50 लाख जानवरों का जो कत्ल हमारे देश में किया गया, इनमें लगभग 4.5 करोड़ जानवर हैं जो गाय बैल भैंस की कैटेगरी के हैं, माने बड़े जानवर हैं, और बचे हुए सारे छोटे जानवर हैं, बकरे बकरी, मुर्गे मुर्गियां आदि आदि। तो भारत देश में
लगभग 3,600 तो सरकार के रजिस्टर्ड कत्लखाने हैं और करीब 36,000 अनरजिस्टर्ड कत्लखाने हैं। इनके द्वारा कुल मिलाकर ये 10 करोड़ जानवर हर साल काटे जा रहे हैं और उसमें से 58 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा हो रहा है। ये भारत की स्थिति है। इसी तरह चीन के बारे में अगर बात करूं तो चीन में हर साल 12 करोड़ मीट्रिक टन मांस पैदा होता है। और इसी तरह अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 4.5 करोड़ मीट्रिक टन मांस हर साल पैदा होता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में हर साल करीब 3.6 करोड़ मीट्रिक टन का है और दूसरे दूसरे देशों में उससे कुछ कम है। अब ये जो मांस उत्पादन हो रहा है सारी की सारी दुनिया में भारत सहित, इस मांस उत्पादन में 4-5 नुकसान सबसे बड़े हो रहे हैं। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि जो अनाज हम मनुष्य को खिलाने के लिए पैदा करते हैं वो अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों को खिलाया जा रहा है और जानवरों को मोटा बनाकर उनका मांस खाया जा रहा है। अगर जानवरों वाला अनाज सीधे मनुष्य को खाने को मिल जाए तो सारी दुनिया की भुखमरी खत्म हो जाए एक बार में ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस ने अभी थोड़े दिन पहले स्टडी कराई, संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन कराया कि भारत में और दुनिया में हर दिन 40,000 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल है, बिना दूध और बिना रोटी के मरते हैं। 40,000 लोग हर दिन मरते हैं, भूख से मरते हैं। और सारी दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोगों को भुखमरी की हालत है। पूरी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी भुखमरी के कगार पर है। मैंने आपसे कहा था कि 650 करोड़ की पूरी दुनिया है, उसमें 200 करोड़ लोगों को हर समय भुखमरी की हालत रहती है और इनमें से 40,000 लोग हर दिन मर जाते हैं सारी दुनिया में भूख के कारण। अब इतने सारे लोग हर दिन मर रहे हों भूख के कारण, तो इन लोगों की भुखमरी खत्म हो जाए और 200 करोड़ लोगों की भुखमरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जिनका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि सारी दुनिया के मांस खाने वाले लोग अपने मांस के उपभोग में सिर्फ 10% की कटौती कर दें, सिर्फ 10%। माने जो लोग सारी दुनिया में मांस खा रहे हैं ना, उनमें से 10% लोग शाकाहारी हो जाए तो एक भी बच्चा पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा और एक भी व्यक्ति पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका में हर आदमी साल में 165 किलो मांस खा जाता है, चीन में हर आदमी साल में 95 किलो मांस खा जाता है, यूरोप में हर आदमी साल में लगभग 130 किलो मांस खा जाता है, यूरोप और कनाडा मिला के। तो कनाडा और यूरोप में 130 किलो मांस आदमी साल में खा जाता है, अमेरिका में 165 किलो खा जाता है, चीन में करीब करीब 95 किलो मांस हर आदमी साल में खा जाता है, भारत में हर आदमी साल में जो मांसाहारी है 3.5 किलो मांस खा जाता है। तो भारत की गिनती अगर अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में करें तो बहुत नीचे आती है मांस खाने वालों में। फिर भी भारत के लोग अगर 10% मांस कम खाएं या भारत में 10% लोग शाकाहारी हो जाएं, अमेरिका में हर आदमी जो 165 किलो मांस साल का खा रहा है वो अगर 165 किलो मांस को 150 किलो कर दे साल में खाना, या कनाडा का आदमी 120 किलो कर दे या 115 किलो कर दे, और चीन का आदमी 80 किलो कर दे, अपने अपने मांस में 10% की कटौती कर दें अगर वो खाने में, तो दुनिया के 200 करोड़ लोगों का हमेशा के लिए पेट भरा जा सकता है। और 40,000 बच्चे जो रोज भूखे मर रहे हैं और बड़े लोग भी उनके साथ मर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कभी भुखमरी से मौत नहीं हो सकती है। मतलब सीधा सा यह है कि मांसाहारी जीवन अगर छोड़ते हैं तो दुनिया के सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए रास्ता खुलता है, दुनिया के लोगों का पेट भरता है। ये कितनी बड़ी बात है, और ये बात अभी अध्ययन में से निकल कर आई है जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने किया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि दुनिया में जो लोगों को सेवा करनी है और लोगों का पेट भरना है, लोगों का जीवन अच्छा बनाना है, अगर सब मिलकर पूरी ताकत से एक ही काम में लग जाएं कि लोगों का मांस छुड़ा दें या लोगों को शाकाहारी बना दें, तो इतनी बड़ी सेवा पूरी दुनिया की हो सकती है, शायद ही कोई दूसरी सेवा उसके सामने हो। भूखे को भोजन देना और मरते हुए को जीवन देना, इससे बड़े पुण्य का काम पूरी दुनिया में कोई नहीं होता।
भारत के शास्त्रों में और भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के द्वारा कई किए गए आप्त वचनों में जो सबसे महत्व की बात है वो ये है, भूखे को भोजन देना, मरते हुए को जीवन देना, इससे बड़ा सेवा का और पुण्य का कोई काम नहीं है। तो अगर दुनिया के भूखे लोगों को भोजन देना है, मरते हुओं को जीवन देना है, तो हम सब पूरी दुनिया के लोगों को एक ही काम में ताकत से लग जाना चाहिए, लोगों को शाकाहारी बनाना चाहिए, लोगों का मांस छुड़वाना चाहिए। दुनिया के लोगों को शाकाहारी हो जाने में कितने फायदे हैं और दुनिया के लोग अगर मांसाहारी बने रहे तो कितने नुकसान हैं, छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात यह बताना चाहता हूं कि एक साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर फैलता है तो मांस खाने वाले लोगों के कारण फैलता है। क्यों? प्रदूषण में जिन जिन चीजों को हम गिनते हैं, हवा जहरीली हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, हवा में कमी आ रही है, पानी में कमी आ रही है, और खेत के लिए काम आने वाली मिट्टी में खराबी आ रही है, और जंगल तेजी से कट रहे हैं, पूरी दुनिया में पेड़ों की संख्या कम हो रही है, ये सब कारण माने जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण। दुनिया में जो जो अध्ययन हो रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो अध्ययन ये बता रहे हैं कि सारी दुनिया में तेजी के साथ जो जंगलों में कटाई हो रही है, उस कटाई का सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग का बढ़ते चले जाना। तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं, तेजी से जंगल कट रहे हैं, वो मांस उद्योग के कारण जंगल कट रहे हैं और जंगल खत्म हो रहे हैं। आप बोलेंगे वो कैसे हो रहे हैं? मांस उद्योग के द्वारा मांस का उत्पादन करने के लिए और उत्पादन को पैक करने के लिए और उस पैकिंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे ज्यादा जो कच्चा माल खर्च हो रहा है वो लकड़ी खर्च हो रही है। आपने देखा है मांस के जो पैकेट होते हैं, जो डब्बे बनाए जाते हैं, उन डब्बों में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीजों से वो डब्बे बनाए जाते हैं, उन चीजों का सबसे ज्यादा आने का काम वो जंगल से ही होता है। जंगल में खास किस्म के पेड़ों का कटना, उसके द्वारा खास किस्म के कागज का उत्पादन और उस खास किस्म के कागज का पैकिंग के लिए उपयोग और उस पैकिंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और बड़ी पैकिंग का उपयोग, इसमें सबसे ज्यादा जंगल कटते हैं और उन जंगलों के कटने से सारी दुनिया में पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि तेजी के साथ जंगलों की समाप्ति अगर हमें रोकनी है और जंगलों को बढ़ावा देना है तो ये मांस उद्योग को बंद कर दिया जाए, तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, सारी दुनिया में पानी का सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई करता है तो ये मांस उद्योग करता है। मैं आपको एक हैरान करने वाले आंकड़े की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो गेहूं पैदा करना पड़े, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो चावल पैदा करना पड़े, 1 किलो दाल पैदा करनी पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, 1 किलो मक्की और बाजरा पैदा करना पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, दोनों स्तर पर उपयोग होने वाले पानी में कितना अंतर है जमीन आसमान का। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है चावल की खेती में, चावल पैदा करने में सबसे ज्यादा पानी लगता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो गन्ने और चावल की खेती में से अगर 1 किलो चावल हम पैदा करें, 1 किलो चावल पैदा करने में 5,000 लीटर पानी खर्च होता है। खराब से खराब जमीन की बात कर रहा हूं मैं, और अगर जमीन बहुत अच्छी है, जमीन बहुत उपजाऊ है, जमीन में नमी बहुत है, तो 1 किलो चावल पैदा करने में मात्र 3 से 3,500 लीटर पानी खर्च होता है। तो 1 किलो चावल पैदा करें तो अच्छी जमीन पर 3 से 3,500 लीटर पानी खर्च होगा, खराब से खराब जमीन पर 5,000 लीटर पानी खर्च होगा 1 किलो चावल पैदा करने में। 1 किलो गेहूं अगर पैदा करना पड़े तो खराब से खराब जमीन पर जो पानी का खर्चा है वो 1,000 से 1,500 लीटर है और अच्छे से अच्छे जमीन पर पानी का खर्चा 700 से 800 लीटर है।
अगर 1 किलो मक्की और बाजरी पैदा करना पड़े तो 1 किलो बाजरी पैदा करने में मात्र 500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो मक्की पैदा करने में 700-750 लीटर पानी लगता है। माने आप अगर देखना चाहें तो इस बात को देखें कि 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं हो या 1 किलो मक्की हो या 1 किलो बाजरी हो, इन सबको पैदा करने में अधिक से अधिक 5000 लीटर पानी और कम से कम 500 लीटर पानी खर्च होता है। माने 500 लीटर से लेके 5000 लीटर के पानी में 1 किलो भोजन और अनाज पैदा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखें, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, गाय का मांस पैदा करना पड़े जिसको बीफ कहते हैं, सुअर का मांस पैदा करना पड़े जिसको पोर्क कहते हैं, और मटन आदि कोई भी मुर्गे मुर्गियों का मांस पैदा करना पड़े, तो 1 किलो मांस पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च होता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का कहना है कि 1 किलो बीफ पैदा करें या 1 किलो पोर्क पैदा करें या 1 किलो मटन पैदा करें तो कम से कम 70,000 लीटर पानी खर्च हो जाएगा, और 1 किलो गेहूं चावल चना आदि पैदा करें तो 500 लीटर से 5000 लीटर में काम हो जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि 1 किलो अनाज पैदा करने में जितना पानी खर्च होता है उससे लगभग 10 गुना से लेकर 100 गुने तक ज्यादा पानी खर्च होता है मांस पैदा करने में। अब आप जरा सोचिए कि सारी दुनिया में अगर 1 किलो मांस पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है तो 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन, 28 करोड़ में 1000 का गुणा कर लो इतने करोड़ किलोग्राम, और उसमें फिर 70,000 का गुणा करो कितने करोड़ लीटर पानी की बर्बादी होती है मांस के उत्पादन। और आप जानते हैं पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कारखाने में नहीं बनाया जा सकता और कितने ही पैसे खर्च करके आपके घर में पैदा नहीं किया जा सकता। पानी तो एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा ही हमको मिलती है, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें से पानी हमको मिलता है। समुद्र का पानी गर्मियों में वाष्प बन के उड़ता है, बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, फिर बादलों में संघनन की क्रिया चलती है और जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो बादल बरस पड़ते हैं और पानी हमें मिल जाता है। इसी प्रकृति की प्रक्रिया के तहत एक एक बूंद पानी मिलता है, और उस एक एक बूंद पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कहीं हो रहा है तो मांस पैदा करने वाले उद्योगों में हो रहा है। 1 किलो मांस के लिए 70,000 लीटर पानी की बर्बादी। मैंने इस 2 दिन से इसका हिसाब निकाला तो मैं आपको एक सरल बात कहना चाहता हूं, आप अपने बाथरूम में अपने स्नान घर में नल खोल के खड़े हो जाइए, 7 मिनट तक रोज नहाइए, 6 महीने लगातार नहाइए, उतने दिन में जितना पानी आप खर्च करेंगे उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में खर्च हो जाएगा। माने एक साधारण आदमी 6 से 7 महीने रोज 6 मिनट अपने ऊपर पानी डाले, शॉवर के द्वारा पानी डाले या बाल्टी और मग से नहाने की कोशिश करे तो 6 महीने लगातार कोई व्यक्ति नहाने में जितना पानी खर्च करेगा उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में एक क्षण में खर्च हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा पानी पीने वाला व्यक्ति दिन में 3 लीटर पानी पिए, और एक दिन में अगर वो 3 लीटर पानी पिए तो महीने में 90 लीटर पानी पिए, साल में 900 लीटर पानी पिए या 1000 लीटर पानी पिए, तो साल में एक व्यक्ति 1000 लीटर पानी पिएगा, 70 साल में एक व्यक्ति जितना पानी पिएगा उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में एक क्षण में खर्च हो जाएगा। आप जरा सोचिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है दुनिया में कि मैं आप अगर 70 साल जिंदा रहते हैं, एक एक व्यक्ति जितना पानी का उपभोग करते हैं 70 साल में पीने के लिए, उतने पानी में 1 किलो मांस पैदा होता है। हम 6 महीने नहाने में जितना पानी खराब करते हैं उतना 1 किलो मांस पैदा करने में खर्च हो जाता है। और अगर परिवारों की संख्या गिनना शुरू करें तो मांस उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए जितने पानी का खर्चा हो रहा है उतने ही पानी में 20 करोड़ परिवारों का जिंदगी भर के लिए, अगर 100 साल की जिंदगी मानी जाए तो जिंदगी भर के लिए पानी का खर्चा निकल सकता है। इसका मतलब समझते हैं, सारी दुनिया में 20 करोड़ परिवार भारत देश में है तो पूरी दुनिया में भारत जैसे देश लोगों का
जिंदगी भर के लिए खर्चा निकल आए, इतने पानी का उपयोग भारत के लोग कुल मिलाकर जितना करते हैं उतना दुनिया का मांस उद्योग पानी को बर्बाद कर देता है। मांस के उत्पादन में कितनी पानी की बर्बादी हो रही है इस मांस के उत्पादन में, आप सोचिए। करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में, और इधर मांस उद्योग हजारों करोड़ लीटर पानी की बर्बादी कर रहा है। हमें अफसोस है, ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती, आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में लगभग 14 करोड़ परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 20 करोड़ तो कुल परिवार हैं, 6 करोड़ परिवारों के पास तो पीने का शुद्ध पानी है, 14 करोड़ परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को पीने का शुद्ध पानी लेने के लिए अपने अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाना पड़ता है। और भारत देश में 14 करोड़ परिवारों में यह दृश्य रोज देखने को मिलता है कि माताएं बहनें सवेरे 3-4 बजे उठती हैं, एक खाली बाल्टी लेके जाती हैं, उसमें पीने का पानी भर के लाती हैं, फिर भोजन बनाती हैं, फिर दोपहर को वही बाल्टी खाली लेके जाती हैं, फिर पीने का पानी लाती हैं, फिर शाम का भोजन बनता है, और इसी में उनका पूरा जीवन तमाम होता है, पीने का पानी लाने और भोजन बनाने में। तो 14 करोड़ परिवारों को भारत में पीने का शुद्ध पानी ना मिले, और भारत जैसे देश में मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ लीटर पानी का दुरुपयोग करें, और सारी दुनिया में मांस पैदा करने वाली कंपनियां करोड़ों करोड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग करें, यह बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है जो पानी को लेकर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या होता है? जब जानवरों का मांस बाजार में बिकता है तो उनको कत्ल किया जाता है, कत्ल करने के लिए कत्ल खाने बनाए जाते हैं। इन कत्ल खानों में जब जानवरों को कत्ल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत अत्याचार होता है। आप अगर देख लेंगे किसी जानवर को कत्ल खाने में कत्ल होते हुए, तो बहुत दिन तक शायद आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, इतने ज्यादा बर्बरता से जानवरों को कत्ल किया जाता है। और जानवरों का कत्ल होते समय उनकी जो चीत्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस्ड हार्मोन निकलते हैं और उसकी जो शॉक वेव्स निकलती हैं, वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती हैं, कंपायमान कर देती है। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब किसी जानवर को काटा जाता है तो क्या स्थिति होती होगी, आप इसको थोड़ी देर की कल्पना करके समझने की कोशिश करिए। आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमला करे और आपको मार डालने की कोशिश करे, तो आपने महसूस किया है आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उस समय आपने महसूस किया होगा आपके माथे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है, आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपके पांव में पसीना आने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। माने शरीर में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है, और हमला करने की स्थिति में हमारा शरीर हमारा मन दो ही प्रयास करता है, या तो हमलावर से हम लड़ जाएं भिड़ जाएं, या वहां से भागकर अपनी जान बचाएं, तीसरा कोई प्रयास आपका शरीर उस समय नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए तैयारी करता है और आपके शरीर में इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं, तो जानवरों की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर जब हमला किया जाता होगा तो उनके शरीर में कितने परिवर्तन आते होंगे। कत्ल खानों को अंदर से जिन लोगों ने देखा है, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने फिल्में बनाई हैं, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने वीडियो फिल्में बनाई हैं, वो सारी दुनिया में अभी उपलब्ध हैं। कभी आप चाहें तो आपको भी वो सब दिखाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने तो वो फिल्में देखी हैं, मुझे 3-3 दिन नींद नहीं आई है, बहुत सारे दिन तक खाना खाने का दिल नहीं किया है। इसलिए कई बार लगता है कि लोगों को ये हिंसा क्यों दिखाई जाए, क्रूरता क्यों दिखाई जाए। बहुत तकलीफ की स्थिति में जानवरों को काटा जाता है। गाय को जब काटते हैं, भैंस को जब काटते हैं, बैल को जब काटते हैं, ऐसे ही नहीं काट देते एकदम में, धीरे धीरे उनको तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर होने की स्थिति में काटते हैं। पहले तो उनको भूखा रखा जाता है और बार बार भूखा रख के उनके शरीर को कमजोर किया जाता है, फिर इनके ऊपर गर्म पानी की बौछार डाली जाती है और वो गर्म पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। उस गर्म पानी की बौछार में जानवरों का शरीर फूलना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। जब शरीर पूरी तरह से फूल जाता है, गाय बैल भैंस तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तब जीवित स्थिति में उनकी खाल को उतारा जाता है, और जीवित स्थिति में खाल को
उतार कर जो खून इकट्ठा होता है वो खून भी जीवित स्थिति में इकट्ठा किया जाता है, फिर गर्दन पे एक तरफ छोटा सा कट लगाया जाता है, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, फिर उसमें से भल 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 खून निकलना शुरू होता है। तब तक जानवर तड़पता रहता है, अपने को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कसाई उसको पूरी तरह से मार नहीं देते हैं। जब धीरे धीरे स्पंदन कम होते जाते हैं तब जाके पूरी गर्दन काटी जाती है, फिर उसके पांव अलग से काटे जाते हैं, फिर शरीर का एक एक अंग उसमें से निकाला जाता है, अंदर की अंतड़ियों को खींच के निकालते हैं, बड़ी आंत को खींच के निकालते हैं, छोटी आंत को खींच के निकालते हैं, माने इतनी ज्यादा बर्बरता और क्रूरता के साथ उनको कत्ल किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जानवरों में जैसे गाय है या तो बैल है या तो भैंस है या तो सुअर है या तो मुर्गे मुर्गियां हैं, इनकी गर्दन पर जब एक कट लगा देते हैं, पूरी गर्दन नहीं काटते, तो वो जिंदा रहने के लिए इतना चीखते तड़पते चिल्लाते हैं कि कोई उनकी चीख पुकार सुन नहीं सकता, सिवाय उन बहरे कानों के जो रोज उनको काट काट के उनके मांस को डब्बों में पैक करते हैं। बहुत क्रूरता होती है। अब आप क्या समझते हैं, ये जो क्रूरता होती है, इस क्रूरता में जानवरों की जो चीत्कार निकलती है, जो चीखें निकलती हैं, वो पूरे वातावरण में ही घूमती रहती हैं। आज का जो आधुनिक विज्ञान है, उस आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि मरते समय किसी व्यक्ति के मुंह से निकली गई चीख पुकार, वो जानवर हो या व्यक्ति हो, अगर उसको क्रूरता से मारा जाता है, अगर उसको हिंसा से मारा जाता है, तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार है उनको वाइब्रेशंस में, उनको वेव्स की थ्योरी में जब समझाया जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं शरीर से और उनसे जो निगेटिविटी निकलती है, जो निगेटिव वेव्स निकलती हैं, वो पूरे वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती, और उस वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्य सभी मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और अन्य सभी मनुष्यों के मन में नकारात्मक भाव ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और नकारात्मक भाव जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में आते हैं तो हिंसा करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती है। तो जानवरों को हिंसा करके जिस तरह से मारा जाता है, उस हिंसा की प्रतिक्रिया सीधे साधे सच्चे भोले भाले लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से होती है। दुनिया के वैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि जानवरों को मारकर जो हिंसा हो रही है और उससे जो शॉक वेव्स निकल रही हैं सारी दुनिया में, ये सीधे साधे भोले भाले स्वस्थ लोगों के मन मस्तिष्क को इतनी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक और हिंसक हो रहे हैं, और नकारात्मकता और हिंसा सारी दुनिया में बढ़ रही है, तो अत्याचार और पाप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वो जानवरों की होने वाली हत्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दो प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले 20 साल इस पर रिसर्च किया और अध्ययन किया है, उनका तो ये दावा है, वो दोनों प्रोफेसर इस देश के, एक का नाम है श्री मदन मोहन और एक दूसरे उनके सहयोगी, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं दोनों, भारत सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है इस बात के लिए। उनकी फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जानवरों को जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में जलजले आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कोई ज्योतिष व्यक्ति का कहना नहीं है, कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है, भौतिक शास्त्री इस देश में जिनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, प्रोफेसर मदन मोहन, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है, 20 साल काम किया उन्होंने इस विषय पर। उन्होंने काम किया कि जहां जहां कत्ल खाने दुनिया में हैं, भारत में और वहां जाकर उन्होंने रहकर देखा, शॉक वेव्स को उन्होंने अब्जॉर्व किया और उनको नापा, उनको तौला, उनका अभ्यास किया, और उन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका एक बड़ा कारण कत्ल खाने हैं, और उनमें से निकलने वाले जानवरों की चीख पुकार है। बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया इसमें झेल रही है, और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को। एक तरफ जानवर कट रहे हैं, मनुष्य का खाना जानवरों को खिलाया जा रहा तो है ही, मनुष्य के लिए जो स्थान सुरक्षित है रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, उस स्थान को जानवरों के लिए आरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कत्ल खाने बनते हैं, इन कत्ल खानों की जगह एक दो वर्ग मीटर की नहीं होती, एक दो वर्ग किलोमीटर की नहीं होती, हजारों हजारों वर्ग किलोमीटर में कत्ल खानों के चरागाह बनाए जाते हैं और उनमें रेंच बनाए जाते हैं।
जिन स्थानों पर आदमी रह सकता है, मनुष्य रह सकता है, ऐसे हजारों किलोमीटर के स्थान जानवरों के बाड़े के रूप में विकसित किए जाते हैं ताकि कत्ल करने वाले जानवरों को वहां विकसित किया जा सके और उन जानवरों को फिर वहां बड़ा करके उनका मांस लोगों को खिलाया जा सके। मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, कितनी क्रूरता है इस दुनिया में, जो जानवरों की हिंसा करने वाली दुनिया है या अत्याचार करने वाली दुनिया है। गाय के बछड़े का मांस अभी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। गाय का मांस तो सारी दुनिया में बीफ के नाम पे खाया जाता है। वील नाम पर एक मांस बनता है जो गाय के बछड़े का होता है। ये वील मांस यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाता है। उसके बारे में पता किया जब मैंने तो मालूम हुआ, गाय का बछड़ा या बछड़ी जब पैदा हो जाता है और मात्र 24 घंटे का होता है तभी उसको उसकी मां से अलग कर दिया जाता है, मात्र 24 घंटे की देरी में। आप जानते हैं गाय वैसी ही है जैसे कोई मां होती है, जैसे कोई स्त्री होती है। कोई भी स्त्री, कोई भी मां अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाती है और उस बच्चे को बड़ा करने के प्रयास में लग जाती है। वैसे ही गाय की भी भावना है कि बच्चे का जन्म होते ही वो अपना दूध बच्चे को पिलाए और उसको बड़ा करे। गाय का दूध पीने से बच्चे में थोड़ी पुष्टि आती है, ताकत आती है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है। एक दिन का भी बच्चा नहीं होता, जन्म लेते ही उसको हटा लिया जाता है। फिर उस बच्चे को ले जाकर एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना वो खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता। आप ऐसे स्थान की कल्पना करो जहां गाय का बच्चा खड़ा भी ना हो सके, बैठ भी ना सके, लेट भी ना सके। कितना संकुचित और कितना छोटा सा स्थान होगा। वहां ले जाकर एक दिन के गाय के बच्चे को रख दिया जाता है और फिर उसको उतनी ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था। एक तरफ गर्दन काट के खून निकालते हैं, पूरी गर्दन एक बार में नहीं काटते, फिर मांस के अलग हिस्सा करते हैं, पांव अलग काटते हैं, एक एक हिस्सा उसका अलग अलग काटते हैं। मांस खाने वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये जो गाय के एक दिन के बच्चे का मांस होता है में सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नरम होता है, सबसे ज्यादा मुलायम होता है। जो मांस वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो कुछ लोगों के जीभ का स्वाद बना रहे और कुछ लोगों को ये नरम मुलायम मांस मिलता रहे, इसके लिए करोड़ों गाय के बच्चों को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बच्चों को मां से अलग कर दिया जाता है और ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना खड़े हो सके, ना बैठ सके, ना लेट सके, और उसके बाद उनकी बर्बरता से, निर्ममता से हत्या की जाती है और कुछ लोगों को अपने पेट की आग उसी से बुझाने का रास्ता खुलता है। आप सोचिए इतनी खतरनाक और इतनी दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति किसकी हो सकती है। मांस खाने वालों के अलावा दुनिया में इतने दुष्ट प्रवृत्ति के और कौन से लोग हो सकते हैं जो एक दिन के गाय के बच्चे के मांस को खा सके, एक दिन के गाय के बच्चे को उसकी मां से अलग करके उसका बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक कत्ल करके उसके मांस को खाए। ऐसी दुनिया में उद्योगों में बहुत तेजी से बढ़त हो रही है, बहुत रफ्तार के साथ ये उद्योग आगे बढ़ रहा है और ये उद्योग आगे बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया की करोड़ों गाय के लिए नासूर बन गया। कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा कत्लखाना चलता है। कैलिफोर्निया का जो कत्ल खाना है उस कत्ल खाने का आंकड़ा है कि एक दिन में वहां 36,000 गाय काटी जाती है। भारत का सबसे कत्ल खाना है आंध्र प्रदेश में एक है और मुंबई में, महाराष्ट्र में एक है, उसके आंकड़े हैं कि वहां एक दिन में 14,000 जानवरों को काटा जाता है। तो भारत का जो सबसे बड़े कत्ल खानों के आंकड़े हैं उनमें एक दिन में 14,000 जानवर कटते हैं। अमेरिका के जो सबसे बड़े कत्ल खानों के बारे में जानकारी है वहां एक दिन में 36,000 बड़े जानवर कटते हैं। तो कैलिफोर्निया का जो सबसे बड़ा कत्ल खाना है वहां 36,000 रोज कटती है। उस कत्ल खाने में काम करने वाले एक व्यक्ति ने आंखों देखा वर्णन किया है और उसके द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा बुकलेट है। वो कहता है कि कई बार मैंने ये देखा कि गाय के एक दिन के बच्चे को जब हम कत्ल करने के लिए गाय से छीन कर ले आते हैं तो वो गाय पागलों की तरह से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भागती है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको टक्कर मार सकती है, उसको घायल कर सकती है। उसको अपना बच्चा देखना होता है, उसको चाटना होता है, उसको चूमना होता है। और वो कहता है हमने देखा है
कि गाय के बच्चे को काटते समय, उसका कत्ल करने के समय गाय पागलों जैसी स्थिति में व्यवहार करने लगती है और अंत में फिर उस गाय का भी कत्ल किया जाता है। आप सोचिए कि बच्चे का कत्ल किया, गाय पागल हो गई और उस गाय का कत्ल किया और उस गाय का मांस लोग खा रहे हैं, तो वो पागल नहीं होंगे? आप सोचिए, गाय अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बिलखती है, तड़पती है, परेशान होती है, जैसे कोई मां होती है वैसे ही गाय होती है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के कत्लखाने में काम करने वाला आदमी लिखता है अपनी उस बुकलेट में कि मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि गाय पागलों की तरह से घूमती है, बच्चे को ढूंढती है, जब नहीं मिलता है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको, वो उसको टक्कर मार देती है, घायल कर देती है। इतनी शक्ति उस गाय में पैदा हो जाती है, हालांकि वो गाय एक ही दिन की सद्य प्रसूता होती है, माने एक दिन पहले ही मां बनी होती है, फिर भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तड़पती है और इतनी ताकत उसमें आ जाती है। ऐसी स्थिति में करोड़ों करोड़ों गायों को परेशान करके, तड़पा के, उनके बच्चों को उनसे छीन कर, उनको बिलखता छोड़कर जब कत्ल किए जाते हैं और उसका मांस दुनिया के लोगों को परोसा जाता है, तो किस तरह के लोग बनेंगे इस मांस को खाने वाले? किस तरह की वृत्ति होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का मांस खाते हैं? आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे भारत में हजारों वर्षों से एक बात कही जाती है और वो बात 100% सच है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर आप ऐसे तड़पती हुई गाय के, बिलखती हुई गाय के बछड़े का मांस खाएंगे, अगर आप ऐसी तड़पती हुई गाय, बिलखती हुई गाय का मांस खाएंगे, या जानवरों पर क्रूर हिंसा द्वारा पैदा किए हुए मांस को आप खाएंगे, दुनिया में खतरनाक किस्म के चोर, डकैत, लुटे, लफंगे, लुटेरे, बलात्कारी, व्यभिचारी लोग पैदा हों जो इस तरह के मांस को खाने के बाद निकलें, उनमें से सात्विक लोगों के निकलने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं और मानते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इस तरह का मांस अगर खाते हैं और उस तरह के मांस को खाकर हम हमारा जीवन चलाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे ज्यादा तो खराब लोगों के पैदा होने का दूसरा कोई तंत्र दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मांस खाने वाले लोगों के बारे में और मांस का उत्पादन करने लोगों के बारे में सारी दुनिया में एक राय बननी चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए कि हर मांसाहारी आदमी को समझाया जाए और उसको शाकाहारी बनाया जाए और मांस पैदा करने वाले उद्योगों को कहा जाए कि भाई तुमको पैसा कमाना है, उद्योग चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए। गेहूं का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? चावल का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दूध का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दही और घी का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? क्योंकि दूध, दही, घी भी उन्हीं जानवरों से मिलता है जिन जानवरों से मांस मिलता है। एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि सारी दुनिया में मांस से बनने वाला भोजन है और सबसे ज्यादा जो बिकने वाला भोजन है उसको हैमबर्गर कहते हैं, उसको शॉर्ट में बर्गर कह देते हैं, उसका मूल नाम है हैमबर्गर। ये हैमबर्गर जो बनाया जाता है ये गाय के मांस से बनाया जाता है। ये गाय के मांस से बनने वाला हैमबर्गर ये बनता है, मैं थोड़ी देर जो पहले बताया था, गाय के एक दिन पहले के पैदा हुए बच्चे के मांस से हैमबर्गर उसी से बनता है। गाय का बछड़ा जो पैदा हुआ 24 घंटे में गाय से उसको अलग कर दिया, उसका कत्ल करके जो मांस पैदा हुआ उससे हैमबर्गर बनता है। तो ये जो हैमबर्गर बनाया जाता है सारी दुनिया में और इसको बनाने वाली जो कंपनी है पूरी दुनिया में, वो इसी तरह गाय का पालन करती हैं और बछड़ों को गायों से अलग कर करके उनका मांस बनाते हैं। अब ये हैमबर्गर बनाते समय इसका रंग सफेद रहे और इसका रंग लाल हो जाए, उसकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अगर सफेद रंग का मांस है वो बहुत कीमती है, लाल रंग का मांस हो जाएगा उसकी कीमत गिर जाती है। तो गाय का बछड़े का मांस हैमबर्गर बनाते समय पूरा सफेद रहे, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट रहे, उसमें थोड़ा भी लाल रंग ना आने पाए, रेडिश ना होने पाए, इसके लिए गाय को बहुत सारे दिनों तक भूखा रख के उसको एनीमिया का शिकार बनाया जाता है। आप जानते हैं एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसको हम सब कहते हैं ना रक्त की कमी, खून की कमी, रक्त की अल्पता, खून की अल्पता। तो गाय के शरीर में अगर खून जरूरत से ज्यादा है तो उसका जो मांस निकलेगा और उसके बच्चे का मांस निकलेगा वो हल्के लाल रंग का हो जाएगा,
लेकिन हल्के लाल रंग का जो मांस है उसकी कीमत गिर जाती है दुनिया में, वो कम कीमत पे बिकता है। इसलिए ज्यादा कीमत पर मांस बिके, गाय के बछड़े का अधिक कीमत मिले, इसके लिए गाय को एनीमिया नाम की बीमारी का शिकार बनाते हैं, रक्त की अल्पता नाम की बीमारी का शिकार बनाया जाता है। और गाय को इस बीमारी का शिकार बना के उसके बच्चे को इस बीमारी में लाया जाता है। तो गर्भवती होती है, मां बनने वाली होती है, तो गर्भ के समय में उसको जो पोषण मिलना चाहिए ताकि उसको रक्त की कमी ना हो, खून की कमी हो, जैसे हम हमारे घर में हमारी माँ की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, और हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती माँ को कभी भी रक्त की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। इसके लिए डॉक्टर अलग तरह से दवाएं लिखता है, घर वाले भोजन की अलग व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही गाय के साथ होता है। लेकिन ये कितने क्रूर लोग हैं, कितने दुष्ट लोग हैं जो मांस का उत्पादन करते हैं पूरी दुनिया में, कि ये हैमबर्गर बनाते हैं, सफेद रंग का मांस मिले तो ज्यादा अच्छा बनेगा, तो उसके लिए गाय के खून में कमी आए, गाय के बच्चे के खून में कमी आए, तो गाय को गर्भावस्था में पूरा खाना नहीं देते, आधा भूखा रखते हैं उसको, तो उसके कुल भूख का मात्र एक तिहाई खाना ही देते हैं। और कितने दिन, लगभग गाय के पूरी गर्भावस्था के समय में, जो वो लगभग 9 महीने 10 महीने तक, गाय लगभग 9 महीने में मां बनती है, भैंस लगभग 10 महीने में मां बनती है, तो गाय को 9 महीने तक लगातार पूरा भोजन ना देकर, कम भोजन देकर, उसकी जरूरत का एक तिहाई और आधा ही भोजन देकर उसको जिंदा रखा जाता है, और मरने ना पाए और ठीक से जिंदा भी ना रहने पाए, उसी स्थिति में उसको रख के उसको खून की कमी पैदा की जाती है, और उस खून की कमी में उसका मांस थोड़ा सफेद हो जाता है। आपने देखा है किसी व्यक्ति में खून की कमी हो, किसी माँ बहन बेटी को खून की कमी हो ना, तो लगती है कि वो थोड़ी गोरी है। बहुत सारी माताएं बहनें बेटियां जो दिखने में बहुत गोरी लगती हैं, उनका जब रक्त परीक्षण किया जाता है तो पता चला खून की कमी होती है, उनको लगता है कि वो गोरी दिख रही है, ज्यादा सफेद दिख रही है, रंग में थोड़ा हल्का पीलापन आया, वास्तविकता जब पता चलती है कि खून की कमी है शरीर में, रक्त की कमी है, तो जब रक्त की कमी होती है तो शरीर में हल्का पीलापन और सफेदी आ जाती है, तो गाय के शरीर में भी खून की कमी लाके उसमें सफेदी और पीलापन लाया जाता है, ताकि उसका मांस सफेद निकले, उसके बच्चे का मांस सफेद निकले, और उसके बाद फिर उसकी हत्या हो, और उसकी हत्या के बाद मांस सारी दुनिया में बेचा जाए। इतनी क्रूरता गाय बच्चे और जानवरों के साथ मांस का उत्पादन करने वाले लोग करते रहते हैं। और इस क्रूरता में हर दिन अमेरिका में 90,000 गाय कटती है, इस क्रूरता में हर दिन 90,000 गाय इसी क्रूरता के साथ अमेरिका में काटी जाती है। जब हम रात को सोकर सवेरे उठते हैं और 24 घंटे हमारे दिन के बीत जाते हैं, उतनी देर में अमेरिका में 90,000 गाय कट जाती है। भारत में भी आंकड़े बहुत खराब हैं, इस भारत देश में भी हर दिन लगभग 14,000 गाय कट जाती है इसी क्रूरता से। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि अमेरिका में तो गाय को कत्ल करने के लिए बाकायदा कानून है, अमेरिका में केंद्र स्तर पर कानून है, राज्य स्तर पर कानून है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों की राज्य सरकारों ने गाय को कत्ल करने के लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन भारत में तो 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी राज्य सरकारों ने गाय के संरक्षण के लिए कानून बना रखे हैं, गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए इसके लिए कानून बना रखे हैं, फिर भी भारत के उन 17 राज्यों में रोज गाय कटती है, और रोज कटने वाले गाय की संख्या इस समय 14,000 के आसपास है। अमेरिका में हर साल लगभग 1,000 करोड़ जानवर कटते, हर साल 1,000 करोड़ जानवर कटते, इसी तरह यूरोप के देशों में हर साल करीब 700 करोड़ जानवर कटते, इसी तरह चीन में हर साल लगभग 350 से 400 करोड़ के आसपास जानवर कटते हैं, और भारत में हर साल मैंने आपसे करीब 10 करोड़ जानवर कटते हैं। सारी दुनिया में ये कटने वाले जानवर की संख्या लगातार बढ़े और इसकी वृद्धि हो, इसके लिए मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां लगी हुई हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शोध हुई है पिछले 50 साल में इस विषय पर कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने यह बताया है, अमेरिका के भी वैज्ञानिक, यूरोप के भी वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक, चीन के,
और लैटिन अमेरिका के दुनिया के सभी क्षेत्रों के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होता है, मांसाहारी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और हमेशा तकलीफों में रहता है। इनको अगर आंकड़ों में मैं बताने की कोशिश करूं तो एक शाकाहारी आदमी को एक मांसाहारी आदमी की तुलना अगर करें तो एक मांसाहारी आदमी में शाकाहारी आदमी की तुलना में 23 गुना ज्यादा जल्दी कैंसर होने की संभावना होती है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक साधारण आदमी में अगर साल भर में कैंसर विकसित होने की संभावना है तो मांसाहारी आदमी में उससे 23 गुना कम समय में कैंसर होने और विकसित होने की संभावना। इसको और सरल भाषा में समझाऊं, एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो एक मांसाहारी आदमी को एक साल में ही हो जाएगा और मरने की संभावना उसकी एक साल में ही पैदा हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे कहें कि शाकाहारी आदमी 23 साल ज्यादा जिंदा रहेगा, मांसाहारी आदमी उससे 23 साल पहले मरेगा कैंसर की स्थिति में। इसी तरह से डायबिटीज है और हार्ट अटैक है। डायबिटीज और हार्ट अटैक के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो शाकाहारी आदमी है उससे 40 गुना ज्यादा संभावना है मांसाहारी आदमी के डायबिटिक होने की और उसके हार्ट अटैक आकर मर जाने। इसी तरह से अन्य बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोअर्थराइटिस है, मोटापा है, फैटी होना है, ओबेसिटी होना है, इसकी संभावना तो कई कई सौ गुना ज्यादा है मांसाहारियों में शाकाहारी की। सारे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी जीवन ही स्वस्थ जीवन है और शाकाहारी जीवन को जीकर ही आप ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। मांसाहारी होके तो बहुत जल्दी पड़ेंगे और मरेंगे। इसमें संभावनाएं क्या क्या हैं? जो मांसाहारी लोगों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है वो ये कि जो मांस उत्पन्न हो रहा है वो बहुत ही खराब तरीके से होता है। सबसे बड़ा खराब तरीका कि जानवरों को जहां पाला जाता है और रखा जाता है वो जगह बहुत छोटी होती है और जानवर उसमें ज्यादा भरे जाते हैं, और छोटी जगह में ज्यादा जानवरों को जब भरा जाता है तो जानवरों के आपस में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, अक्सर जो सुअर का मांस पैदा करने वाली कंपनियां हैं ना, उनके जो बाड़े होते हैं उनको अंग्रेजी में रेंच कहते हैं, तो सुअरों के जो रेंच होते हैं उसमें हर सुअर दूसरे की पूंछ काट लेता है क्योंकि वो तनाव में रहता है हमेशा। और तनाव में रहने का कारण क्या है? एक सुअर को रहने के लिए कम से कम जितना स्थान चाहिए उतने में 10 सुअर को रख देते हैं। एक मुर्गे को रहने के लिए कम से कम 4 स्क्वायर फीट जगह लगती है, 4 स्क्वायर फीट में तो 10 मुर्गों को जबरदस्ती रख देते हैं। एक गाय को रहने के लिए न्यूनतम जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गाय को रख देते हैं। एक भेड़ को रहने के लिए, बकरी बकरे को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गुने ज्यादा रख देते हैं। तो जानवर हमेशा तनाव में रहते हैं क्योंकि जगह कम होती है उनको रहने के लिए। आप ही एक इसको रहने की कोशिश करके देखिए, कभी एक कमरा है जिसमें एक व्यक्ति आसानी से रह सकता है उसमें 10 लोग रहना शुरू कर दीजिए और लगातार 2-4-6 महीने रहकर देख लीजिए, आप अच्छे खासे स्वस्थ आदमी हैं, पागल होने की स्थिति में आप आ जाएंगे। इतना बढ़ जाएगा चिड़चिड़ापन, आपको इतना बढ़ जाएगा परेशानियां, आपको इतनी बढ़ जाएंगी, तो वो जानवर तो महीनों 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 ऐसे ही रहते हैं। उनको तनाव बहुत होता है और तनाव के समय में उनके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स बहुत निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का सबसे ज्यादा सीक्रेशन उनके शरीर में उस समय होता है और उसी समय जब उनको काटा जाता है तो भय और उनको होता है, डर और उनको होता है। तो डर और भय की स्थिति में जब जानवर काटे जाते हैं तो उनके खून में वो सारे के सारे निगेटिव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन जो तनाव देने वाले हार्मोन है वो रहते हैं, और थोड़े बहुत मांस में भी रहते होंगे, मांसपेशियों में भी रहते होंगे, और मांसपेशियां और मांस का ही हिस्सा है जो लोग खाते हैं, तो उनके शरीर में वो सब जाते हैं और उसके कारण तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि मांसाहारी लोगों को शाकाहारी लोगों की तुलना में बीमारियां होती हैं और उनके मरने की सबसे जल्दी संभावना होती है। इसके अलावा दुनिया में और एक महत्व की बात गई है वो ये कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया, प्रेम, करुणा ये सबसे ज्यादा तीव्र गति से और सबसे उच्च स्थिति में मिलती है। सारी दुनिया में कई जगह अभ्यास किया गया, कई जगह अध्ययन किया गया, अलग अलग समूह बनाकर, एक तरफ मांसाहारी लोग हैं, एक तरफ शाकाहारी लोग हैं, तो देखा यह गया कि जो शाकाहारी लोग हैं
दया है, उनमें प्रेम है, उनमें करुणा है, उनमें वात्सल्य है, उसमें ममता है, उसमें ममत्व है, सब तरह के मानवीय गुण सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों में है। और हिंसा है, हिंसा के साथ साथ चोरी, चपाटी, डकैती, बलात्कार की भावना, एक दूसरे को दुष्टता के स्तर पर देखने की भावना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, ये सबसे ज्यादा देखी गई है मांसाहारी लोगों में होती है। और दुनिया में हम देख भी रहे हैं कि इस समय जो हिंसा का सबसे बड़ा दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में, आप ध्यान दीजिए, वो सारा का सारा इलाका मांसाहारी लोगों का है। और मांसाहारी लोगों के इलाके में होने वाली जो हिंसा है वो जल्दी खत्म नहीं होती है, 10-20-50 साल नहीं, सैकड़ों सैकड़ों साल वो हिंसा चलती है, और हिंसा में से प्रतिहिंसा चलती है, और वो पूरा इलाका हमेशा के लिए अशांत और अशांति में डूब जाता है। दुनिया में जहां शाकाहार बहुत ज्यादा है, उन देशों में आप देख लो काफी शांति मिलेगी। मैंने ये देखा इस अध्ययन में कि जो शाकाहारी लोग हैं वो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, उनमें कुछ महामारियां भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शांति उन्हीं के इलाके में है जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं पूरी दुनिया। और जहां मांसाहारी लोग हैं उनमें अमीरी हो सकती है, उनमें अमीरी है, उनमें समृद्धि है, उनमें संपत्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा उनके बीच में है, और मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अशांति उनके बीच में। दुनिया में जिन देशों में मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है वहां मानसिक रोगी सबसे ज्यादा है। एक छोटे से देश की कहानी बताता हूं। स्पेन नाम का एक देश है और स्वीडन नाम का एक देश है। स्वीडन को दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा अमीर देश है। स्वीडन को कहा जाता है वहां विकास का मानदंड सबसे ऊंचा है। परम पूजनीय स्वामी जी थोड़ी देर पहले अपने व्याख्यान में कह रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट बनती है मानवीय विकास की सूचकांक रिपोर्ट, उसमें स्वीडन हमेशा नंबर एक पर रहता है, भारत हमेशा 136 नंबर पर रहता है। स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, उनके यहाँ मारामारी नहीं है, उनके यहाँ वगैरह वगैरह बहुत सारे दुख नहीं है। उस स्वीडन के बारे में अभी मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा था यही शाकाहार मांसाहार के हिसाब से। तो स्वीडन है तो छोटा सा देश लेकिन मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है और मांस का उपभोग सबसे ज्यादा है। तो स्वीडन के कुछ डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया वो इस बात के लिए कि स्वीडन की सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी सड़कें हैं पूरी दुनिया में स्वीडन में है। ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन की सड़कें हैं वो रबर की सड़कें हैं, जैसे आप रबर की सड़क पर चल रहे हैं तो स्वीडन की सड़कें इतनी अच्छी हैं। लेकिन स्वीडन के वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज्यादा दुनिया में पीठ दर्द के मरीज अगर कहीं हैं तो वो स्वीडन में ही है। जिनकी सड़कें सबसे अच्छी हैं, जहां पर गाड़ी ऐसे चलती है जैसे पानी में मछली फिसलती हो, वहां के लोगों के पीठ में दर्द क्यों होना चाहिए? भारत जैसे देश की सड़कों के बारे में ये कहा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि भारत में तो सड़कें कम है, खड्डे ज्यादा हैं। यहाँ तो सड़क के बीच में खड्डे नहीं है, खड्डों के बीच में से सड़क निकलती है। यहाँ के लोगों के पीठ में दर्द हो तो समझ में आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन स्वीडन के लोगों के पीठ में सबसे ज्यादा दर्द क्यों है? तो वहां के वैज्ञानिकों का कहना है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वहां के लोगों को, मनोदैहिक जो चिकित्सा करने वाले वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा असंतुलन में से पैदा हुई बीमारियां हैं, उन सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है कि बीमारियों का एक बड़ा कारण उनके यहाँ वो मांसाहारी भोजन है और मांसाहारी जीवों की हत्या है और उनसे निकलने वाली हिंसा है। तो ये अभी अध्ययन सारी दुनिया में हो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैंसर ज्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, कंधों के दर्द ज्यादा बढ़ रहे हैं मांसाहारी लोगों को। तो हम क्यों फालतू में इस दुनिया में जाएं, मांस खाने वाले बने? इसलिए मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। मैं तो ये मान के आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम में से तो शायद ही कोई भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता होगा जो मांसाहारी अब तक बचा होगा, अन्यथा तो वो शाकाहारी हो गया होगा। प्राणायाम करते करते, योग करते करते, बार बार आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी का व्याख्यान सुनते सुनते अब तक तो सभी भारत स्वाभिमान के जो कार्यकर्ता हैं, भारत स्वाभिमानी है, वो सब शाकाहारी हो गए होंगे। लेकिन गलती से कोई एकाध बच गया है तो अब हो जाना चाहिए उसको, बहुत जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाना चाहिए उसको, मांसाहारी रहना ही नहीं चाहिए।
अभी कई बार ये मांसाहारी लोग एक कुतर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है, और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलने की है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो उसमें मिल जाएगी आपको, 1 लीटर दूध पी लो उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी, और 1 लीटर जो है ना अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा है 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसमी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो, टमाटर का रस पी लो, मांस से तो कई गुना सस्ता है और कैल्शियम देने में मांस से ज्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दूध पीना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दाल खाना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर जूस पी लेना। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया, वो ये कि अगर हम 1 एकड़ खेत में खेती करें और 1 एकड़ खेत की खेती में साल में 4 फसल लें और 4 फसल में गेहूं भी हो, 4 फसल में चावल भी हो जाए, 4 फसल में दालें भी हो जाएं, कुछ सब्जियां भी हो जाएं, तो 1 एकड़ खेत में जितनी खेती हम करेंगे साल भर में उसमें 22 लोगों का भोजन हम दे सकते हैं। 1 एकड़ खेत में खेती करके 22 लोगों का पेट भरा जा सकता है पूरे साल में जितना उत्पादन होगा। उसी 1 एकड़ खेत में जितना अन्न पैदा हो उस पूरे अन्न को किसी जानवर को खिलाया जाए और उसका मांस पैदा किया जाए तो उस मांस से पूरे साल में सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भर सकता है। 1 एकड़ खेत में हम खेती करके अन्न पैदा करें तो 22 लोगों का भोजन मिलता है। उसी 1 एकड़ खेत में जो अन्न पैदा हो रहा है वो जानवरों को खिला दिया जाए, जो जानवर उस मांस को खाएंगे और उसमें से जो मांस पैदा होकर आदमी को खाने को मिलेगा वो सिर्फ 2 आदमी का पेट भर सकता है। बहुत साल पहले हमारे देश में एक महान विचारक और चिंतक पैदा हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने उस पुस्तक को बार बार पढ़ा था। उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। गो करुणा निधि पहली पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा जिसमें गाय के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले शायद किसी भारतीय चिंतक और विचारक को गाय के आर्थिक पक्ष के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने भी यही लिखा है कि एक गाय को काटकर उसका मांस खिलाओ तो बहुत मामूली से थोड़े से लोगों का जीवन चल सकता है, लेकिन उसी गाय को जिंदा रखो और उसके दूध का और दूध के अलावा दूसरी वस्तुओं का उपयोग करो तो उससे कई गुना ज्यादा लोगों का जीवन चलाने का रास्ता खुलता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात 1870 के पहले कभी समझी, सोची और लिखी, वो बात अभी 2009 में भी उतनी ही खरी और सत्य है और उतनी ही प्रामाणिक है जो आज से वो लगभग 140-145 साल पहले थी और इतनी ही प्रासंगिक है। तो हम तो सब महर्षि दयानंद के पुत्र हैं, हम तो सब महर्षि दयानंद के मार्गी हैं, हम तो सब उनकी शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने और चलने वाले लोग हैं, हम तो सब महर्षि दयानंद जैसे महान महान विचारक और महापुरुषों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम तो भगवान महावीर महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। भगवान महावीर का तो सारा जीवन ही दया प्रेम करुणा की शिक्षा देने में और लोगों को शाकाहारी बनाने में ही बीता है। 2500 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, अपरिग्रह के लिए, वो सब 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है।
तो भगवान महावीर की शिक्षाएं हो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हो, या हमारे देश में महर्षि दयानंद की शिक्षाएं हो, या महात्मा गांधी जैसे लोगों विचारकों की शिक्षाएं हो, इन सबके आदर्शों को लेकर तो चलने वाले लोग हैं। भारत स्वाभिमानी है हम सब, तो मुझे लगता है कि हमको तो जल्दी से जल्दी इस रास्ते पे चलकर दूसरों को तेजी से शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाना चाहिए, ताकि भारत की जो 30% आबादी गलती से अज्ञान से मांसाहार की तरफ बढ़ गई है, भारत में तो अभी गनीमत है कि 30% आबादी ही गलती से मांसाहार की तरफ, अज्ञान के कारण मांसाहार की तरफ बढ़ी है, इस 30% भारत की आबादी को जल्दी से शाकाहारी बना ले और दुनिया की आबादी को शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाए। तो मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कहा था सबसे पहले कि जितना अन्न उत्पादन आज हो रहा है इसमें 1 किलो की भी बढ़ोतरी ना हो और सारी दुनिया में मांस के कत्ल खाने बंद हो जाएं, तो जितना भोजन हम आज पैदा कर रहे हैं उतने भोजन से 1300 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। अभी तो हम सिर्फ 650 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, माने पूरी दुनिया की भूख मिट सकती है, पूरी दुनिया की बेबसी खत्म हो सकती है, लोगों की लाचारी खत्म हो सकती है, हर दिन 40,000 लोग बच्चे भूख से जो मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, सारी दुनिया के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, और दुनिया में गर्मी पैदा करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में मांस सबसे बड़ा कारण बन गया है, इसको खत्म किया जाए तो गर्मी कम की जा सकती है, सारी दुनिया के जंगल बचाए जा सकते हैं, पीने वाले पानी का सदुपयोग किया जा सकता है, उस पानी को बचाया जा सकता है, बेहतर कामों में लगाया जा सकता है। ये सब फायदे ही फायदे हैं, बस नुकसान एक ही है कि मांसाहारी लोग अगर दुनिया में शाकाहारी हो गए, मांस पैदा करने वालों को कोई दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा उद्योग चलाना पड़ेगा और दूसरी जगह अपनी प्रतिभा को लगाना पड़ेगा, एक ही ये परिवर्तन होगा उनकी तरफ से, बाकी सद परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लोगों में हो जाएंगे। तो इस भावना के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि हम सब शाकाहारी बने, दुनिया को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करें, हम दुनिया के लोगों में शाकाहार का प्रचार करें और दुनिया के लोगों को मांसाहारी बनने से रोकें, जानवरों के ऊपर दया करें, उनके ऊपर प्रेम करें, उनके ऊपर करुणा करें, क्योंकि हम भारतवासी मानते हैं कि हम में जैसी आत्मा है जानवरों में भी वैसी आत्मा है, आत्मा हमारी और जानवरों की समान है, जब आत्मा उनकी और हमारी समान है और हम एक ही परमपिता ईश्वर की संतान है तो हम सब भाई बहन ही जैसे हैं और जानवर भी हमारे भाई बहन जैसे हैं, संबंधी जैसे ही है, तो हमारे संबंधी हमारे भाई बहन जैसे दया प्रेम करुणा के पात्र जानवर, उनको हम बचाएं, इन पशुओं को हम बचाएं, तो उनको नहीं बचाएंगे हम, अंत में अपने आप को बचाएंगे, ये हमारे लिए अभीष्ट है और यही हमारा उद्देश्य है, इसमें हम सब लगें, ईश्वर हमें सफलता दे और हमें प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जीवों की आत्मा एक जैसी है और बस आकृति का फर्क है, सब जीवों में दिल है, सब जीवों में दिमाग है, सब जीवों को चोट लगती है तो पीड़ा होती है, किसी भी जीव को कहीं घाव हो जाता है तो कितना कहराता है पीड़ा से वो, हर जीव को पीड़ा होती है, हर जीव को दिल होता है, हर जीव को दिमाग होता है, हर जीव को दर्द होता है, आखिर क्यों हम ये क्रूरता ये बर्बरता ये पाप अनाचार अधर्म कर रहे हैं। जैसे हम योग करते हैं प्राणायाम करते हैं ध्यान करते हैं तो ये सहज ही अंदर से उत्पन्न होता है, बस करो अब तो मांस नहीं खाना चाहिए, अंदर से घृणा पैदा हो जाती है, और योग की तो शुरुआत ही अहिंसा से होती है, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय जन दीप्ति अविवेक ख्याते, यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, यम की शुरुआत अहिंसा, अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य परिग्रह, हमारे योग की शुरुआत अहिंसा से, हमारे धर्म की शुरुआत अहिंसा से, हमारे बचपन की शुरुआत, मां बाप कहते बेटा चींटी को भी मत मारना, भाई राजीव जी कह रहे थे जिन देशों में हिंसा है वहां अशांति है, वहां क्रूरता है बर्बरता है पागलपन है, और जिन मजहबों में हिंसा है मांसाहार ज्यादा है उनमें क्रूरता जाता है, उनमें आतंकवाद जाता है, उनमें और दूसरी तरह की प्रवृत्तियां जाता है, इसलिए
हमें जो लोग मजहबों के नाम पर, धर्मों के नाम पर हिंसा करते हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा, हिंसा धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म। इस बात को वैज्ञानिक रूप से देखो, व्यवहारिक रूप से देखो, तर्क और तथ्यों प्रमाणों के आधार पर इसको देखो। अब तो हमको शाकाहार की ओर आना ही है। कुछ लोग ना छोटी छोटी बातें कह के बहका देते हैं, तुम मांस नहीं खाओगे तो ताकत कहां से आएगी, मांस नहीं खाओगे तो शूरवीर कैसे बनोगे, मांस खाने से शूरवीर नहीं क्रूर बनोगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने, भगवान श्याम ने रावण जैसे कितने असुरों का संहार किया। भगवान श्याम मांसाहारी नहीं थे, वो शाकाहारी थे, वो क्रूर नहीं थे, वो शूर थे। तो शक्ति तो संकल्प से आती है, निर्भयता उसका संबंध तत्व ज्ञान से है, मांसाहार से नहीं। एक और तर्क देते हैं भाई, राजीव जी कई बता रहे थे कि लोग कहें कैल्शियम कहां से आएगा, प्रोटीन कहां से आएगा, मांसाहारी एक बहुत तर्क देते हैं। मैंने पूरी दुनिया में यात्रा की तो उस दौरान उस तर्क को सुना, विटामिन B12 कहां से आएगा। तो मैं एक ही उत्तर देता हूं सब तर्कों का, गाय में, भैंस में, बकरी में जो ये मांसाहारी पोषक तत्व बताते हैं, वो सारे पोषक तत्व उसके दूध में होते हैं। तो विटामिन B12 भी दूध में होता है, प्रोटीन भी दूध में होता है, कैल्शियम भी दूध में होता है, सारी चीजें दूध से मिलती हैं। बल्कि मांस में तो फैट, प्रोटीन और विटामिन B12 जैसे दो चार चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ होता ही नहीं है। यह आदमी केवल मांस खा करके जीवित रह ही नहीं सकता, बीमार हो जाएगा, थोड़ी दिनों में मर जाएगा। ये जितने भी मांसाहारी हैं, ये सब भी शाक सब्जियां खाते हैं, ये सब भी दालें खाते हैं। एक आदमी को आप एक सप्ताह मांस खिला के दिखा दो, एक आदमी लगातार एक सप्ताह मांस नहीं खा सकता, एक महीना मांस नहीं खा सकता, एक साल मांस नहीं खा सकता। हमारी प्रकृति नहीं है वैसी। आप शेर को आप जब तक जीवित रहता है मांस के ऊपर ही जीवित रखिए, उसको कोई शाक सब्जी की जरूरत नहीं है। एक दिन भी हम बिना शाक सब्जियों के, बिना दाल भात के, बिना सलाद के, बिना फल के जीवित नहीं रह सकते। जितने भी मांसाहारी हैं, आप सोचेंगे कि स्वामी जी इतने दुर्गुण हैं ये देश में, इससे 23 गुना ज्यादा कैंसर होता है, 40 गुना इससे ज्यादा हार्ट अटैक होता है, डायबिटीज होती है, सैकड़ों गुना इससे और मोटापा और कोलेस्ट्रोल जैसी बीमारी होती है, तो मांसाहारी मर क्यों नहीं जाते जल्दी। ये इसलिए नहीं मरते जल्दी क्योंकि ये मांस के साथ में शाक सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, जूस पीते हैं। मैंने देखा विदेशों में, मैंने कहा ये मांसाहारी तो बहुत जल्दी मरने चाहिए, इतने दिन तक क्यों जीते हैं। इसलिए जीते हैं कि थोड़ा साग सब्जियां और फल फूल खाते रहते हैं। मैं चुनौती देकर के इस बात को कहता हूं, विज्ञान और तथ्यों के प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहता हूं, कोई व्यक्ति यदि लगातार एक वर्ष भी मांस खा लेगा ना, तो शायद वो दूसरे वर्ष जीवित नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ा तथ्य है कि ये मांसाहारी जब इतने ज्यादा रोग होते हैं तो मरते क्यों नहीं है, मरते क्यों नहीं, बीमार हो करके, कैंसर हो करके, हार्ट अटैक हो करके, क्योंकि ये शाक सब्जियां खा लेते हैं। जो मांसाहारी जीव है, मांस खाते हैं जो जीव, वो उनकी आंतें 16 फीट लंबी होती है, हमारी 32 फीट लंबी है, हमारे दांत ये नकुले नहीं है। जितने भी मांसाहारी जीवों को चाकू से थोड़ी मांस खाते हैं, मतलब दांतों से नोच के खाते हैं, उनके पंजे बड़े नुकीले होते हैं, उनके दांत बड़े नुकीले होते हैं, उनकी आंखें रात को चमकती हैं क्योंकि दिन में उनको शिकार ना मिले तो रात को शिकार कर सके। मांसाहारी जीवों को रात को दिखाई देता है, उनकी आंखें बड़ी। हमारी प्रकृति ही नहीं है मांसाहारी जीव की। हम खुद शाकाहारी रहेंगे, शाकाहार का प्रचार करेंगे, हमें योग से इस समाज को, इस राष्ट्र और विश्व को निरोगी तो बनाना ही बनाना है, निर्व्यसनी भी बनाना है, निरामिष भी बनाना है, हमें उसको क्रूरता से मुक्त करना है। बहुत बड़ा काम है हमारा। हमने कहा हमारा एकांगी अभियान नहीं है, हमारा बहुआयामी अभियान है। और जब ऐसा होगा, योग करके सारी दुनिया शाकाहारी बनेगी, निरोगी बनेगी, निरामिष बनेगी, सब लोग कोई दुर्व्यसन नहीं करेंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, कितनी अच्छी दुनिया होगी। और ये दुनिया आपको और हमको मिल करके बनानी है, कितना सुख होगा उस दुनिया में, यह होगा धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आओ हम सब मिलकर के ऐसा ही संसार बनाएं, ऐसा ही अपना परिवार बनाएं, ऐसा ही समाज और राष्ट्र बनाएं।
कि हम सब सुखी रहें, सब जीव भी सुखी रहें, उनके ऊपर ही बर्बरता ना हो, क्रूरता ना हो, अत्याचार ना हो। तो आज से एक संकल्प और भी लें कि हम जो है लेदर से बनी हुई कोई चीज़ प्रयोग ना करें। ये बहनें लेदर से बने हुए 5-5, 10-10 हज़ार की जो पर्स रखती है ना, तो समझ लो तुम्हारे हाथ खून से सन जाते हैं, तुम ऐसे पर्स को हाथ में लेकर के चलती हो। ये भाई जो बेल्ट लेदर की पहनते हैं, तो तुम्हारी कमर के ऊपर किसी जीव की कब्र खुदी हुई है, क्या कर रहे हो तुम? तुम पैरों में यदि लेदर के जूते पहनते हो, तो तुम गौ माता को अपने पैरों के तले रौंद रहे हो और बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसलिए लेदर से बनी हुई चीजों का भी प्रयोग बंद कीजिए। ये माताओं को भी, मुझे तो लगता है इनके लिए हमें एक और प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो तुम होठों को लाल करने के लिए जो यूज करती हो ना लिपस्टिक, ये भी गाय के खून से बना होता है। इसलिए तुम्हारे लिए मुझे लगता है हमको जड़ी बूटी होती है एक, उससे तुम्हारा लिपस्टिक बनाना पड़ेगा, तब तुम इस हिंसा से मुक्त हो पाओगे। मैंने सुझाव तो दिया था बहुत दिन पहले, लोगों ने बाबा जी आप लिपस्टिक भी बनाओगे क्या? मेरे कहीं मानते ही नहीं, क्या करें। कुछ खून बढ़ाने वाले टॉनिक पीती हैं माताएं एनेमिया के लिए, उनमें कत्लखानों का जो ब्लड होता है ना, वो बोतलों में पैक करके इनको पिला देते हैं। गाय का खून, भैंस का खून, शुगर का खून, सब पी पी करके सोचते हम तगड़े हो जाएंगे। कपाल भाती करो, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, सबका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। किसी को ये क्रूरता से सने हुए ये टॉनिक नहीं पीने हैं। हाँ, बहुत ध्यान रखना है मांसाहार से ना, भीतर की दया करुणा ममता वात्सल्य मिट जाता है। हमको तो दया से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य को अपने हृदय को भरना है। शाकाहारी खुद बनेंगे, सारे संसार को शाकाहारी बनाएंगे, इस धरती पर फिर से स्वर्ग लाएंगे, सब जीव सुखी होंगे। दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान हम पर, दया करो ये प्रभु कृपा निधान हम पर, दया करो ये प्रभु कृपा निधान हम पर, दया करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर, दया करो, जीवन बने महान हम पर, दया करो, दया करो भगवान हम पर, दया करो, दया करो सच्चिदानंद भगवान की। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम।